टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोग क्लास में आ से फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें और एक बार जल्दी से कंफर्म कर देंगे कि हमारी आवाज सही है या फिर नहीं। और आवाज सही है और क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। और बता दीजिए आवाज सही है। हाँ सही है। चलिए शाबाश। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हाँ ऑल क्लियर है मैम जी। क्लास स्टार्ट करिए। चलिए ठीक है शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है रेडी हो जाइए फटाफट से और क्लास को शेयर जरूर करते रहा करिए आप लोग। ठीक है। और हाँ एक चीज और, जितने भी बच्चे बीपीएससी वाले हैं और जितने भी कौन से बीपीएससी हो गया बिहार एस्टेट वाले हैं और टीजीटी पीजीटी वाले भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो मेनली हैं आपके बीपीएससी वाले और बिहार एस्टेट वाले उनके लिए हमने रात में 9 बजे डेली क्लास लगा दी है। बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी और उसमें आपका इंडियन आर्ट शाम को 7 बजे तो देखना ही है आपको, लेकिन रात को 9 बजे वाली क्लास भी देखनी है। ये जो 7, 8, 9 ये 3 घंटे हैं आपके बिल्कुल कंटिन्यू चलने वाले हैं और रात को 9 बजे जो क्लास होगी उसमें आपका इंडियन आर्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सीक्वेंस में शुरू से। ठीक है। चलिए मैम बीएड 4 साल का हो गया। हाँ हो गया, सब कुछ होता जाएगा धीरे धीरे। बैठो आराम से घर में। ठीक है यही होने वाला है शायद। चलिए आप खुद ही चेक कर लेती हैं। हाँ क्या करें, बच्चा नहीं है ना इस हिसाब के, बच्चों से पूछो आवाज आ रही है तो घंटों भर में तो आंसर देते हैं आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, सभी को बताना है। चलिए पूछा जा रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है वो कौन है बताइए। प्रभाववादी ग्रुप है, बाद में अरे हाँ सभी लोग बताएंगे। मैम प्राविधिक कला किए हैं, किस किस में फॉर्म भर सकते हैं? टीजीटी का भर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं हो सकता है कि इसको भी हटा दें बाद में, इसलिए भर दो। ठीक है चलो इस पे आइए जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन पे आइए। अब जो नया फॉर्म आए मतलब तब भर देना। ठीक हाँ चलिए पूछा गया है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है वो कौन है? ऑप्शन बी बारबी साहब। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है बताओ। एक साथ अगर कंटिन्यू बोल दो ना तो बस खांसी शुरू हो जाती है। चलिए बताएंगे। बिल्कुल आंसर है आपका क्या? ऑप्शन डी ये है पिसारो। नेक्स्ट है, बारबीजा स्कूल और डोमी ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था? ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा, उपरोक्त सभी। थर्ड का क्या होगा? चलिए थर्ड का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ग्रामीण भी, निर्धन भी, सर्वहारा भी। ठीक है आगे। नेक्स्ट है, बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा है बताओ। सभी लोग करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है यथार्थवाद। क्या है? यथार्थवाद। ठीक है आगे, यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है बताएं। सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, आईजीडी बॉम्बे मान रहेगा। एक काम करेंगे हम वीडियो बना देंगे एक तो, ठीक है उसको आप लोग देख लेना वरना आप लोग बार बार पूछोगे बीच में। ठीक है क्लास पर अभी फोकस करिए, हम वीडियो बना देंगे एक अच्छे से। हाँ चलिए तो क्या है विचारधारा पूछी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट, कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? माने, रूसो, दोमिये, कूर्वे बताओ। सिक्स का क्या होगा?
आइए जल्दी से। बिल्कुल हाँ, आंसर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर होगा आपको क्या, ऑप्शन डी पूर्वे। नेक्स्ट है, बारबीजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीणों और श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय वस्तु बना था? बताइए सातवें का क्या होगा आंसर। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यथार्थवादी। ठीक है, आगे, यथार्थवाद का मुख्य चित्रकार कौन था? बताइए, कोरो, मातिस, देगा, पूर्वे। फटाफट से करेंगे आंसर। यथार्थवाद का चित्रकार ऑप्शन डी होगा, पूर्वे था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आधुनिक कलाकार ने अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी? देलाक्रे, पूर्वे, माने, सेजा। नौवे का बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वे। नेक्स्ट, पत्थर तोड़ने वाले स्टोन ब्रेकर्स ये किस कलाकार की कृति है? वॉन गॉग, गॉगिन, डोमीर या फिर आपका पूर्वे? बताइए, दसवें पे आइए। हाँ, आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वे। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा ये किस कलाकार के द्वारा निर्मित है? पूर्वे, डोमी, गोया, कुरो। बताइए, 11वें का। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है डोमी ने बनाया है। नेक्स्ट है, रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? गोया, डोमी, देगा, लॉत्रिक। 12th का बताना है आपको। रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक ऑप्शन बी डोमी ने बनाया है। ठीक है, आगे, कौन सा यथार्थवादी चित्रकार है जो चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकार भी कहा जाता है? पूर्वे, मातिस, डोमी, इनमें से कोई नहीं। 13 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी डोमी, सबके डोमी ही होंगे। ठीक है आंसर। हाँ, आगे, नेक्स्ट है, दो वकील किसकी कृति है बताओ? हाँ, दो वकील, टू टू वकील, टू टू एडवोकेट, ऑप्शन डी होगा, डोमी। ठीक है, हाँ, ऐसे ही पेपर में आ जाए, सबका आंसर डोमी हो जाए, कितना अच्छा है ना। द पेंटर्स स्टूडियो का कलाकार कौन था बताओ? कौन था, इसमें तो डोमी है ही नहीं, अब क्या होगा? 15, अब क्या होगा कालिया, बताइए। कोई बात नहीं, डोमी नहीं है तो है, पूर्वे पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, द पेंटर्स स्टूडियो। नेक्स्ट है, कौन भूदृश्य चित्रकार था बताओ जल्दी से? 16 बताइए, भूदृश्य चित्रकार पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरो। ठीक है, फिर है, प्राक रैफलवाद कौन था बताओ? क्या था ये प्राक रैफलवाद का मतलब क्या है, ये क्या था? सभी लोग बताएंगे। चलिए, हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये एक तरह का कला आंदोलन था। ठीक है, हाँ, चलिए, ठीक है, हाँ, आ रहे हैं आंसर, आप लोगों के बढ़िया आ रहे हैं। आंसर है, वो सॉरी, क्वेश्चन है, प्राग रैफलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की है बताओ? किसने की है? हाँ, बताओ जल्दी से। रोजेटी, मिलेस, हंट, पिकासो, क्या होगा आंसर? 18 18 18 पे आप, ऑप्शन सी होगा, हंट। हाँ, वही वही चीज हो रही है कि मैम हम ए लगाते हैं आंसर बी हो जाता है, बी में लगाते हैं सी हो जाता है, क्या किया जाए, बड़ी समस्या है, घोर समस्या। नेक्स्ट है, प्राक रैफलवाद का जन्म कौन से, मतलब इंग्लैंड में कब होता है? 19 बताइए, 19। आंसर होगा 1848 में, किसकी, प्राग रैफलवाद की, कहाँ, इंग्लैंड में। ठीक, आगे चलते हैं, और ऊपर पढ़ लिया है किसकी, किसने स्थापना की, हंट ने। नेक्स्ट है, लॉरेंजो इसाबेला ये चित्र है ये किसने अंकित किया है बताओ? कितना, कौन सा है, 20 का। हाँ, सभी लोग बताएंगे 20 का आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मिलेस ने इसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र कौन
कौन से शीर्षक से बनाया था? 21। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम, परेशान नहीं हो, संडे को दोपहर में 12 बजे सभी को जुड़ना है। उसमें हमने आज तक जितने क्वेश्चंस पाश्चात्य कला के पढ़ाए हैं फुल रिवीजन होने वाला है, और वहां गलती की तो बस पिटाई लगनी है, ठीक है? चलो 21 क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे? बिल्कुल, आंसर होगा क्या, कुमारी का लड़कपन। ठीक है, स्टूडियो में पहला चित्र पूछा है, ठीक है, कुमारी का लड़कपन। नेक्स्ट है, कामिल कोरो की प्रसिद्ध पेंटिंग है, हाँ बताइए, वुमेन विद अ पर्ल, 1868 से 70 के बीच का है, ये कहाँ सुरक्षित है पूछा गया है, बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे। 22, हाँ चलिए, आंसर होगा म्यूसी डी लूब्र पेरिस में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। म्यूसी डी ओरसाय पेरिस जो है ये इसमें सुरक्षित है चित्र जिसका नाम है द ग्लीनर्स, हाँ सपने सुहाने लड़कपन के, वेरी गुड, कितना याद है ना, बताइए द ग्लीनर्स 1897 की रचना है, ये किसने की है पूछा गया है, मिले पूर्वे दोमी रूसो, बताइए, हो सकता है ये क्लास आपकी गर्मियों में भी रिवाइज हो सकती है, तो सभी बच्चे सोचेंगे कि मैम ये इतनी गर्मी में इतने भयंकर स्वेटर वगैरह क्यों पहने हुए हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ा अभी रहे हैं, हो सकता है इसी का रिवीजन हम बाद में करवाते रहें, ठीक है। हाँ 23, फिर वही समस्या, ऑप्शन ए होगा आपका, मिले, ठीक है आगे। नेक्स्ट है, किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा है, बताइए, पूर्वे पिसारो पिकासो सल्वाडोर डॉली, 24 सभी लोग करेंगे, जनतंत्रवादी कहा है किसने, पूर्वे ने, क्लियर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, 1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के दंगों के समय किसे आर्टिस्ट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बताओ, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था 71 में, सभी लोग करेंगे, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने, पूर्वे ने, क्लियर आगे। नेक्स्ट है, 1919 में किस कलाकार के जन्म शती के उपलक्ष में उसकी मातृभूमि ओरना में एक स्मारक बनाया गया था, दोमी पूर्वे रूसो डॉबिनी, बताओ बताओ। 26, अगर आपको अपने बच्चे का नामकरण करना है तो इन चारों में से क्या चूज करेंगे आप लोग, बताओ जल्दी से फटाफट से। 26, हाँ तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी होगा, ये है पूर्वे, ठीक है पूर्वे करना, बहुत अच्छा नाम है। नेक्स्ट है, किसका कथन है, कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छा अनुसार परिवर्तन करे, क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म गहन व श्रेष्ठ होता है, बताइए, बहुत अच्छी बात बोली है किसने, गुस्ताव पूर्वे ने, डोमी ने, मिले ने, कोरो ने, किसने कही है, 27, अच्छा कोई नहीं नहीं चाहिए हमें ऐसे नाम, चलिए आ जाओ 27 पे आइए, बिल्कुल आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन ए, ये है गुस्ताव पूर्वे, ठीक। नेक्स्ट है, डोमी का जन्म होता है फरवरी 1808 ईस्वी में, फ्रांस के दक्षिण में होता है, लेकिन बताओ अर्नांस मार्सिलस रोएन सेंट मारिस चारेंटन में हुआ था, कहां पर हुआ था, जगह पूछ ली गई आपसे। 28, इस नाम से पता भी नहीं चल रहा है कि ये जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, बताइए क्या होगा, कहां पर हुआ था, तो याद रखना है मार्सिलस में इसका जन्म हुआ था, फ्रांस के दक्षिण में, ठीक है याद रखना है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इतना डीप नहीं पूछेगा, ये यूजीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। पूछा गया है किसने प्राय गरीब धनी डॉक्टर वकील व्यापारी न्यायाधीश चोर आदि सभी प्रकार के मानवों का चित्रण उन्हीं के अनुरूप बड़े ही परिपूर्ण और सच्चे ढंग से किया है। 29, क्या होगा आंसर, फिर वही रिपीट वाला ऑप्शन ए होगा, किसने, डोमी ने किया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, फटाफट से बताएंगे, प्रभाववादी कौन नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी से बताएंगे, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन ए, ये है मिले, ठीक है
क्लियर हुआ। अब यहां से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। पूछा जा रहा है आधुनिक कलावादों का जन्म होता है, पता है ये सब आपके चैप्टर वाइज है चलते जा रहे हैं, जितने ये खत्म हो रहे हैं ना, ये पिछला चैप्टर खत्म हो गया, न्यू चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बताइए फर्स्ट का, हाँ बताइए, बिल्कुल आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस में, ठीक है। हाँ चलिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रभाववाद का जनक किसको माना जाता है, ये गलत नहीं करेंगे आप लोग, है ना। सेकंड का क्या होगा आंसर बताइए, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था, आंसर होगा क्लोद मोने। नेक्स्ट है मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा, बताइए बताएंगे सभी लोग। थर्ड का क्या होगा आंसर, हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्योदय का प्रभाव, ठीक है। सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन था, क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोगा या फिर विंसेंट वॉन गॉग। फोर्थ क्या होगा आंसर, सनराइज इंप्रेशंस, ऑप्शन ए क्लोद मोने हो जाएगा, ठीक है। आगे पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है, बताइए फिफ्थ का, किसे कहते हैं, मोने, माने, टेगा, रेनवार, ऑप्शन ए मोने को बोलते हैं, ठीक है। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन है, जॉर्ज सोरा, क्लोद मोने, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डॉली। सिक्स का क्या होगा, प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोद मोने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी, वाटर लिली बताओ, लिली क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोने ने इसको बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, घास के ढेर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घास के ढेर चित्रमालिका है, इसको चित्रित किसने किया है, बताओ आठवें का, हाँ ऑप्शन बी होगा, मोने ने इसको बनाया है, ठीक। नेक्स्ट है रुआ का गिरजाघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना बहुत अच्छे से, ये चित्र है, ये किससे संबंधित है, बताओ किसने बनाया है इसको, नौवें का, इसको भी किसने बनाया है, क्लोद मोने ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है तृण पर भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने क्वेश्चन है ना ये वाले चैप्टर के, बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये जितने आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो बिल्कुल से। हाँ तृण पर भोजन, द लंचियन ऑफ द ग्रास किसने बनाया है, तो ये माने ने बनाया है, ठीक है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, बहुत भयंकर तरीके से पूछे जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये जितने भी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेवेंथ यहां से आपके कलाकारों वाला है स्टार्ट हो गया है, जो बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन बी होगा, एडवर्ड माने, ठीक है। जाने सॉरी माने के लिए ओलंपिया में स्त्री का लेटी हुई आकृति है वो किसकी है, बताओ राजकुमारी, वैश्या, चित्रकार की पत्नी है, सामंती, औरत है, बताओ लेटी हुई है तो कौन होगी आपकी, ऑप्शन बी हो जाएगी, वैश्या, ठीक है। आगे चलते हैं प्रभाववाद का मुख्य विषय कौन सा था, बताइए राजकुमारी, वास्तु, रंग, वातावरण और प्रतीक, फटाफट से करेंगे, हाँ करते रहिए आप लोग, शाबाश, वेरी गुड, अब आपके आंसर बढ़िया आ रहे हैं, ऑप्शन डी होगा, वातावरण और प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत लंबा चौड़ा है ये तो भाई, चलो बताओ एडवर्ड माने के द्वारा शुरू की गई शैली है जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई और स्थूलत्व का एहसास कराया गया है उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा है, 14 पे आएंगे सभी लोग, आंसर होगा क्या, प्रभाववाद कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य रूज क्या था, बताओ चित्र है, कला संस्था है या फिर मदिरालय है, नाटक ग्रह है, क्या है मूल्य रूज बताइए, हाँ आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, ये एक तरह का मदिरालय है, कौन सा, मूल्य रूज। नेक्स्ट है किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था, मोने, माने, देगा, लॉथ्रिक, 16, हाँ आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, लॉथ्रिक, आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट है सलो द रिफ्यूजेस क्या था, बताइए, 17, ये एक तरह की प्रदर्शनी थी, क्या थी, प्रदर्शनी, ठीक है, कला की प्रदर्शनी थी, जैसे आप लोग देखते हैं ना आजकल प्रदर्शनी बहुत चल रही है हर जगह।
पूछा गया है द किस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से याद रखना। द किस किसने बनाई है बताओ, मूर्तिकार, मूर्ति है ये, ऑप्शन बी रोंदा। ठीक है, छोटे बच्चे को किसी कर लो भगवान, फिर उनको शांत नहीं करा सकता है कोई, बस इसी से याद कर लो रोंदा, रोने लगा। ठीक है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है बताओ, 19 पाएंगे जल्दी से, शाबाश, हाँ 19 पे बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा मैरी कैसेट। ठीक है, नेक्स्ट, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों और गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया था बताओ, 20 पे आइए। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा एडगर डेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी, 1863, 86, 74, 65, 21, फटाफट से करेंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, थोड़े से ही करवाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आज के क्वेश्चंस जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको। पूछा गया है सूर्योदय का प्रभाव इस नामक चित्र को मोने ने कब बनाया था, आज वाली क्लास जरूर देख लेना, इधर से क्वेश्चन मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लिख के ले लो, 22, और जो पीछे पढ़ाई है उधर से तो मिलने ही है, लेकिन आज वाली क्लास से निश्चित मिलने वाला है, इसी क्लास से 22, ऑप्शन सी ये है 1872। नेक्स्ट है, अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 में एडवर्ड माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था इसमें बताओ, इस प्रदर्शनी में 23वें का, हाँ सभी लोग बताएंगे, वेरी गुड, चलो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी घास पर जलपान। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पेस्टल रंगों के द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया है बताओ, हाँ सभी लोग बताएंगे, 24, ऑप्शन बी एडगर डेगा ने। ठीक है, नेक्स्ट है, यथार्थात्मक प्रभाववादी किस कलाकार को कहा जाता है, मोने माने रेनबार्ड डेगा बताइए, 25, चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी होगा एडगर डेगा। फिर नेक्स्ट है, अर्जेंटुइल में नाव की सैर किसकी रचना है, डेगा माने मोने सेजा, 26, शाबाश, वेरी गुड, बताइए क्या होगा, 26 पे आएंगे, शाबाश, चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी माने। ठीक है, नेपोलियन का जन्म कहाँ होता है बताओ, 27 का आंसर करेंगे सभी लोग, हाँ सभी लोग आंसर किया करिए, ठीक है, कंजूसी कोई नहीं करेगा, बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, अजाशियो में इनका जन्म होता है, कहाँ, अजाशियो। नेक्स्ट पे आते हैं, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बताओ, 28, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा डेविड ओगिलवी, विज्ञापन के पितामह। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बलेरीना अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर 1880 में मूल रूप से मोम में गढ़ी गई मूर्ति है कि किसके द्वारा बनाई जाती है, डेगा ब्रांकुसी कैंडिंस्की हेनरी मूर, 29, फटाफट से करेंगे, वेरी गुड, चलिए हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा देगा। ठीक है, आगे पूछा गया है, वह अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर जिन्होंने अपना ज्यादातर वयस्क जीवन जो है ये फ्रांस में बिताया, और जहां उनकी दोस्ती एडगर डेगा से होती है और बाद में संस्कारवादियों से जुड़ जाते हैं, कौन है, 30 बताओ, मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लग रहा था बहुत अच्छी चीज लिखी है, पूछी है फ्रेंडशिप बताओ, किससे जुड़ गए थे बताओ फटाफट से,
ये है मैरी मैरी स्टीवन स्टीवेंसन कसार। क्या नाम है? मैरी स्टीवेंसन कसार। ठीक है, ये थी। आगे नेक्स्ट है द बोटिंग पार्टी, 1893 से 94 का है। ये ऑयल ऑन कैनवास पे बना चित्र है। ये किसने बनाया है? द बोटिंग पार्टी 31। आंसर होगा बी, ऑप्शन ए, सॉरी बी, मैरी कैसेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कौन एक कला इतिहासकार है? एच हार्वर्ड अर्नासन। बताइए कौन है? 32, सभी लोग बताएंगे कला इतिहासकार। तो क्या होगा? अरे हाँ, सभी लोग करेंगे 32 की। आंसर की बात होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, एच हार्वर्ड अर्नासन। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक कला के जन्म को चिन्हित करने वाली सबसे निकटतम तिथि कौन सी है? बताइए 33 का आंसर होगा, ऑप्शन सी 1863। नेक्स्ट है सोसाइटी एनॉय में जो है कारपोर सॉरी सोसाइटी एनॉय में कॉर्पोरेटिव डेज आर्टिस्ट पेंटर्स स्कल्पचर ग्रेबर्स ये चित्रकारों मूर्तिकारों और उकेरकों का एक संघ है, इसका गठन किसने किया था? मतलब इतना लंबा चौड़ा है और गठन पूछा गया है। हाँ चलिए 34 पूछा है, आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रभाववादी कलाकारों ने। ठीक है, नेक्स्ट है ये कथन और कारण से पूछा है और पूछा गया है यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। अच्छा ऐसा है क्या? बताइए, सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाश की वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को बाध्य किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है और आर भी सही है। ठीक, आगे नेक्स्ट है, बस खत्म होने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफर पोस्टर के लिए फेमस है? बताइए, पाब्लो पिकासो, ई अलका जी, तुलुज लॉत्रेक, डेगा। 36 क्या होगा आंसर? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध पूछा है आपसे, 36। हाँ आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, तुलुज लॉत्रेक। ठीक, सलोदी रिफ्यूजीज नामक कला प्रदर्शनी है, इसकी प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? बताइए, रोजर फ्राइड ने लिखी थी क्या? बताइए क्या होगा? सलोदी रिफ्यूजीज, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई रो रॉय। किसने? लुई रो लॉय। ठीक है, लो रॉय। चलिए नेक्स्ट है 38, पूछा गया है प्रभाववाद कैमरा के विरुद्ध एक आंदोलन था। अच्छा ऐसा है, बताइए जल्दी से 38 क्या होगा आंसर? क्योंकि कैमरा के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था। ये तो दोनों ही सही है, देखिए ऑप्शन बी होगा, ए जो सही, ए जो दिया है ना वो बिल्कुल सही है। कैमरा के विरुद्ध ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हमने प्रभाववाद में नाम दिया गया था, लेकिन क्योंकि कैमरा के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही है। ठीक है, पूर्णतः सत्य नहीं कहेंगे, इसलिए आंशिक रूप से सही बोलेंगे इसको। आगे किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा है? हाँ चलिए बताइए जल्दी से, बस अब 7 से 8 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ ऑप्शन बी होगा, देगा ने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बस बताइए नव प्रभाववाद का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। हाँ आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सोरा। टाइम से आए करें सभी लोग, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव प्रभाववाद का जनक पूछ लिया है आपसे,
चलिए आंसर होगा जॉर्ज सोरा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है स्थान, सॉरी स्नान स्थल कि किसने बनाया है बताइए, थर्ड का। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा जॉर्ज सोरा ने। सर्कस के चित्रकार कौन है बताओ जल्दी से फटाफट से। सर्कस फोर्थ, हाँ तो यही है, सोरा हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदुवादी कलाकार कौन था बताओ, बिंदुवादी कौन था, यही सोरा। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार कौन है बताओ, बिंदुवादी कहते हैं इसीलिए उनको, ऑप्शन डी सोरा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर कौन से आंदोलन से संबंधित है बताओ, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है, आंसर होगा ऑप्शन बी बिंदुवाद से। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एफिल टावर 1889 में बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको चित्रित किसने किया है बताइए जल्दी से फटाफट से, फिर अपनी काम खत्म करें। चलिए आंसर क्या होगा, यही सोरा ही है। ठीक है, हाँ सूरा लिखती है सोरा। ठीक है, तो एफिल टावर किसने बनाया, सोरा ने, और 1889 है। खैर पहले हम पहले ही क्वेश्चन को, एक सेकेंड, एक साथ दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है चलो बताओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एंड सेकेंड दोनों एक साथ करना है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, मॉडर्न ओलंपिया 1874 में बनता है, चित्र है कैनवास पर तेल रंग से, और संग्रह की बात करें तो म्यूसी दा ओरसाय पेरिस में संग्रहित है, इस चित्र को किसके द्वारा बनाया गया है बताइए। एक बार आप लोग एक काम करिए, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए और साथ में लिख देना कि वैष्णवी मैम आज काला नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक बार ग्रुप में मैसेज कर देंगे फटाफट से इस लिंक को शेयर करके। हाँ चलिए पहले का आंसर कर, ठीक है बिल्कुल, शाबाश, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बिल्कुल आंसर है आपका क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने, सेजा ने इसको बनाया है, किसको, मॉडर्न ओलंपिया को। दूसरा क्वेश्चन है, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन है, सेजा है, गॉगिन है, मोने है, देगा है बताइए, सेकंड का क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे। हाँ सेकंड की बात करेंगे, बिल्कुल आंसर आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गॉगिन ने इसको बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन ए हो गया, क्वेश्चन बी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अब यहां से आपके एक एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था बताओ, सिसले, रैनो, और फिर रोना, और फिर है बोनार, फिर गॉगिन, किसने किया था बताइए, सभी लोग करेंगे, थर्ड का। हाँ थर्ड का बताइए, वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी गॉगिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्ट नोवो का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार था बताइए, गॉगिन है, फिर पूछा गया, फिर है वेल्ले, फिर है एंसर, फिर है मॉरिस, कौन है जो आर्ट नोवो का प्रवर्तक है। हाँ फोर्थ पे बताएंगे सभी लोग, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉन दे वेल्ले, कौन है आर्ट नोवो का प्रवर्तक, कौन है, ऑप्शन बी हो जाएगा वेल्ले। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा जा रहा है त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर कौन से आंदोलन में रेखांकित किया गया था बताएंगे सभी लोग, फिफ्थ का क्या होगा, सभी लोग करेंगे, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतीकवाद, क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी प्रतीकवाद। ठीक, आगे कौन सा कलाकार है जो जंगल के दृश्यों के लिए विशेष फेमस है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, कौन सा कलाकार है जो जंगल के दृश्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है, जितने भी वेस्टर्न के आर्ट सॉरी कलाकार है ना वो सभी आज आपके पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी तक इस न्यूज को पहुंचा दीजिए कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बिल्कुल, क्या होगा आंसर,
ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरी रूसो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार कौन थे? रेनवा, वॉन गॉग, पाल सेजा, पाल गोग, सेवेंथ। बताइए सभी लोग सेवेंथ का क्या होगा आंसर। हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी पाल सेजाम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी पाल सेजाम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आधुनिक कला का पिता किसको कहा जाता है? सेजाम, पिकासो, माने, मोने। एट्थ का क्या होगा बताएंगे सभी लोग? हाँ ऑप्शन ए ये है सेजाम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक कला के कलाकार चल रहे हैं, सॉरी वहां के यूरोपीय कला के। नेक्स्ट है ताश के खिलाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको बनाने वाले कौन है बताएंगे जल्दी से फटाफट से? ताश के खिलाड़ी बताओ क्या होगा? ताश के खिलाड़ी ऑप्शन ए ये है सेजा। ठीक है, आगे स्नान मग्न युवतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से इसके चित्रकार कौन है? यहाँ के कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कलाकारों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, कलाकार बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। टेंथ का क्या होगा? हाँ स्नान मग्न युवतियां भी किसने बनाई है? सेजा ने ही बनाई है। ठीक, आगे उत्तर प्रभाववादियों में पहला चित्रकार कौन है? पाल सेजा, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने, एडगर देगा। इलेवेंथ पे आइए, हाँ इलेवेंथ पे करेंगे सभी लोग आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं, हाँ प्रथम चित्रकार पूछा है आपका क्या हो जाएगा? पाल। मैम क्विज आपके टेलीग्राम पे, हाँ हमारे ही टेलीग्राम पे होता है। ठीक है, टेलीग्राम सर्च कर लेना, रात को 10 बजे डेली रवि सर आपका क्विज करवाते हैं, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़ा करें। ठीक है, रात में होती है, उसमें जुड़ जाना आप लोग। ठीक है, चलिए हाँ इसको बताइए दूसरे पे, इसमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन नहीं था बताओ? वॉन गॉग, पियर बोनार, पाल गोगा, जॉर्ज सोरा। हाँ ट्वेल्थ पे आइए फटाफट से, आंसर होगा ऑप्शन बी। यहां पर हमें ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, हमें जो मिलेंगे वॉन गॉग, गोगा और ये सोरा। ठीक, आगे वॉन गॉग का पूरा नाम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, चाहे कोई भी एग्जाम देने वाले हो, ये बिल्कुल पूछे ही जाते हैं इनमें से, बताइए। हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विंसेंट वॉन गॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया है डॉक्टर गैचेट जो है इसका व्यक्ति चित्र किसने चित्रित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। 14 का आंसर क्या होगा? वॉन गॉग होगा, गॉगिन, मोने, माने। तो देखिए आंसर की बात करें, आंसर आपका हो जाएगा वॉन गॉग ने गैचेट बनाया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है द स्टोरी नाइट, इसका चित्रकार पूछ लिया गया है आपसे, तो क्या होगा? वेलास्के, एल्ग्रेको, डेगा और लास्ट में विर्जिन वॉन गॉग है जो आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है पोटैटो ईटर्स, बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाने वाला, इस पर बिल्कुल से स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। बताओ पोटैटो ईटर्स नामक जो चित्र है वो किसने बनाया है? सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे, रेनवार, कॉर्बेट, वॉन गॉग, मुदिगलानी। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉन गॉग ने बनाया है। ठीक है, आंसर करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट है उपन्यास है लास्ट फॉर लाइफ, ये किस कलाकार के जीवन की कहानी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। वॉन गॉग, सेजा, पिकासो, गॉग, सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ सभी लोग बताएंगे। टेलीग्राम क्या होता है मैम? पता नहीं कौन सी चिड़िया है, हमें खुद नहीं है पता, एक भी क्विज का लिंक नहीं मिला है हमें। अच्छा रात को 10 बजे जुड़ जाए करो, वहां आपकी चलती रहती है। ठीक है, YouTube में नहीं, टेलीग्राम पे चलती है क्विज। ठीक है, हाँ आंसर है आपका क्या? ऑप्शन ए वॉन गॉग। नेक्स्ट है नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग? अठारहवें का, हाँ बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे प्रभाववादी रचनाओं की उत्तर, मतलब प्रभाववादी पूछा गया है, उत्तर प्रभाववादी। हाँ आंसर की बात करेंगे, देखिए ये ऑप्शन में भी दिया, बी में दिया है सेजा, वॉन गॉग, फिर पाल गोगिन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट पर सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ। 19 सूर्यमुखी का चित्र पूछा गया है आपसे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉन गॉग ने इसको बनाया है। ठीक, नेक्स्ट है द पूछा गया है वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है बताओ, द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर, द पेदर्स। बताइए, मतलब गलत अर्थ है फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी आंसर करने में पता नहीं क्या होता है आप लोगों को, बिल्कुल सुनने पड़े हैं, आंसर नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सन फ्लावर बनाया है, अभी अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है हमने। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दे दिया था? अब बताओ, ये तो पता होगा है ना, इसका आंसर हम देखेंगे सभी का, किसको किसको पता है इस चीज के बारे में। 21 फटाफट से, हाँ 21 शाबाश, ये तो पता है बिल्कुल, हेमा कुमारी को पता है, वेरी गुड। हाँ सावित्री को भी पता है, अच्छा सबको पता है, वेरी गुड, ये सभी को मालूम होता है, मतलब ये नहीं भूल सकते। ऑप्शन ए हो जाएगा वॉन गॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है पूछा गया है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं, बताओ जल्दी से फटाफट से क्या होगा। 22 हाँ जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से, ताहिती द्वीप पर चित्र अभी अभी जस्ट ऊपर 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 पढ़ते हुए आए हैं, किसने बनाए हैं फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोगेन ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, चित्र पूछा गया है तीन ताहिती वासी का चित्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ, बताओ जल्दी से कौन है जिसने तीन ताहिती वासी का चित्र बनाया है। हाँ आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या होगा आपका, पॉल गोगेन है, पीछे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना स्टार्ट किया था बताओ। 24 का आंसर करेंगे, तो आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे पहले किस चित्रकार प्रतीकवादी पूछा है, आंसर होगा पॉल गॉगेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, हर टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जब एग्जाम में आ जाते हैं तब पता चलता है कि ये आते हैं। हाँ बताइए, पॉल गॉगेन की प्रसिद्ध मूर्ति है ओवेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर संग्रहित है, इंपॉर्टेंट है, किसने बनाई, पॉल गॉगेन की मूर्ति है, कहाँ संग्रहित है, फटाफट से छापेंगे। हाँ आंसर की बात करेंगे अपन लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, म्यूसिदा और साय में इसको रखा गया है। ठीक, आगे दो कलाकारों के समुदाय की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए सूची से कलाकार ढूंढना है, इसमें क्या पढ़ा रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ प्रेम की बात है, वाह बहुत अच्छी मैम जी, ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, चलिए इसको बताइए। 26 पूछा गया है कलाकार कौन से हैं इनमें, तो पीछे ही पढ़ते आ रहे हैं, पॉल गॉग ने भी बनाया है, अभी अभी पीछे पढ़ा है, बताओ जल्दी से क्या बनाया है, फिर ये भी पढ़ा है, वॉन गॉग ने भी बनाया है, पीछे क्या बनाया है, छाप दो जल्दी से। चलो आगे नेक्स्ट है 27, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। हाँ बताइए, पॉल गॉग एक चित्रकार था और उसने छाया चित्रकला में कार्य किया था। अच्छा, दूसरा दिया है पॉल गॉग ताहिती द्वीप की महिलाओं तथा वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित था। अब बताओ क्या ये सही बात है, बताओ जल्दी से। देखिए ये जो कथन दिया है ना और जो उसका कारण दिया है वो बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, रेखा में रंग की शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाने वाला है ये वाला क्वेश्चन, बताओ। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी वालों ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, और जो बीपीएससी वाले हैं उनको तो बिल्कुल से, खास तौर पे एस्टेट वाले भी बिल्कुल दिमाग में रख लो अच्छे से क्वेश्चंस, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले। चलो हाँ 28 पे आइए, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉल गॉग। ठीक है, आगे पूछा गया है द स्लीपिंग जिप्सी, सॉरी जिप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्लीपिंग जिप्सी, सॉरी वो एक गाना भी आया था ना जिप्सी वाला, कुछ ऐसे कुछ,
पूछा गया है वही वाली जिप्सी है, द स्लीपिंग जिप्सी। ये है 1897 ईस्वी में ऑयल ऑन कैनवास म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, ये चित्र किसने बनाया है? फटाफट से बताएंगे 29 का आंसर, सभी लोग बताएंगे 29 का। अरे वेरी गुड, शाबाश। अच्छा 30 नंबर में भी पहुंच गए, वाह। 29 का बताओ जल्दी से पहले। हाँ आंसर है आपका ऑप्शन सी, हेनरी रूसो ने बनाया है। नेक्स्ट है पाल सेजा का चित्र है बाथर, ये 1885 से 87 ईस्वी में बनाया जाता है, इसको संग्रहित कहाँ किया है ये पूछा गया है। बाथर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। तीसरे का, हाँ 30 नंबर का बताएंगे सभी लोग। चलिए बिल्कुल, बाथर पूछा है ये कहाँ संग्रहित है, तो ये न्यू ऑप्शन मतलब न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है रखा हुआ है। आगे पूछा गया है मॉन्ट सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू, 1885 का है, चित्रकार पूछा गया है इसके कौन है, बताओ। 31 का आंसर सभी लोग करें, सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू। जितने क्वेश्चन आज तक हमने पाश्चात्य कला के करवाए हैं, कल दोपहर में 12 बजे उसका पूरा फास्ट रिवीजन है, तो सभी को दोपहर में कल 12 बजे जुड़ना है, ठीक है सभी को जुड़ना है। पाश्चात्य कला का पूरा फुल ऑफ रिवीजन होने वाला है, तो सभी लोग 12 बजे जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए 31 ऑप्शन बी होगा सेजा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है किस कलाकार ने अपना जीवन एक धर्म प्रचारक के रूप में आरंभ किया था, बताओ। 32 का क्या होगा, सेजा, गॉगिन, देगा, वॉन गॉग। 32 फटाफट से करेंगे आंसर, हाँ आंसर करते रहो, रुकना नहीं है वीर, तो बढ़िया चलो बढ़िया चलो। ऑप्शन डी वॉन गॉग ने बनाया है, ठीक है। आगे धर्म प्रचारक के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हेनरी मार्टिस जो है ये किस कला आंदोलन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। हाँ बिल्कुल, तो हेनरी मार्टिस की बात हो रही है, और जब माचिस लगा देते हैं तो हॉबीज जंगलवाद से, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्टिस किस कला आंदोलन का कलाकार था, बताओ, जंगलवाद से। वही है बस हिंदी में लिख दिया है इधर पे। हाँ सेकंड का बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल हाँ सभी लोग करेंगे। अरे क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलवाद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्टिस कौन से कला आंदोलन से प्रभावित था, सॉरी अग्रणी थे, पूछा है मार्टिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे, बताओ जल्दी से। तीसरे का सभी लोग करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है फाववाद, ठीक है। आगे चलते हैं, हरी पट्टी 1905 में बनाया जाता है, ये चित्र किसका है, रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मार्टिस, पिकासो। फोर्थ का हरी पट्टी, हा से हरी और हा से हेनरी मार्टिस, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट है जॉय ऑफ लाइफ 1906 का है, ये पेंटिंग है, पीटर पोलाक ने बनाया है, जैक्सन पोलाक ने बनाया है, हेनरी मार्टिस ने, हेनरी मूर ने बनाया है, बताइए। फिफ्थ का क्या होगा आंसर, हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी मार्टिस ने जॉय ऑफ लाइफ बनाया है, 1906 में पेंट किया है इसको, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पूछा गया है मार्टिस का, नेक्स्ट है मार्टिस का डांस फर्स्ट, बताइए 1910 में बनाया जाता है, इस चित्र को कहां संग्रहित किया है, बताइए। मार्टिस का डांस फर्स्ट है, बताना है ये कहां संग्रहित है। सिक्स का, तो हाँ ये ऑप्शन बी में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में इसको संग्रहित किया गया है, ठीक है। आगे पूछा गया है वुमेन विद हैट, बताइए, वुमेन विद हैट बताइए, टोपी वाली महिला, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, बताइए क्या होगा आंसर। तो
क्या है आंसर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी मार्टिस। ठीक, आगे नेक्स्ट, भाववाद का आरंभ कब होता है? मार्टिस ने कर दिया है, मार्टिस ने। ठीक है, अब होता कब है ये बताना है आपको। आंसर की बात करेंगे, कब होता है? चार में होता है। चार में कब होता है? 1904 में होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कठोर रंगों वाली जंगली शैली ये किस कलावाद को कहा जाता है? भाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। जंगली शैली किसको कहते हैं बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने पढ़ाया है भाविज्म, मतलब भाववाद। ठीक, आगे, भाववाद आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन है? फटाफट से बताओ, अभी अभी जस्ट पढ़ा है, प्रेरणा स्रोत पूछा गया है, स्रोत मतलब कि उसका गढ़ कहां से, किसको मानते हैं? गुस्ताव मोरो को मानते हैं। किसको? गुस्ताव मोरो को मानते हैं। ठीक है, प्रणेता तो मार्टिस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया है लक्स, कैलमे एंड बोल्ट, ये विलासिता, शांत और खुशी बोलते हैं इसको, ये पेंटिंग किसकी है बताओ? पिकासो की है, किसकी है जल्दी से बताएंगे। हाँ, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, बिल्कुल आ गया है, हेनरी मार्टिस का। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। लीजिए बताइए, भूखा शेर हिरण को पकड़ता हुआ, बताओ, 1905 ईस्वी का है, कैनवास पर तेल माध्यम में बना हुआ है, 200x301 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा डिटेल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और संग्रह है कहाँ? बैलर फाउंडेशन बेसल में संग्रहित है। इस चित्र का मतलब, ये चित्र है किसका पूछा गया है बताइए। 12 का क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी रूसो। ठीक है, आगे, कौन उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है बताओ? मार्टिस, सेजा, वॉन गॉग, गॉग। 13 क्या होगा आंसर? सभी लोग फटाफट से बताएंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिस। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं फिर से न्यू टॉपिक पर, घनवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं, यहाँ एक एक कलाकार को देख रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, घनवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं, फटाफट से छाप दो। चलिए बताइए, घनवाद के प्रवर्तक पूछे गए हैं, तो हमने पढ़ा है ना, पिकासो प्लस ब्रॉक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, दूसरा है, घनवाद का जन्म कब होता है? 1907, 1909, 1911 कब होता है जल्दी से बताएंगे आप लोग। घनवाद का जन्म कब होता है? ये 7 में होता है। ठीक है, फाविज्म में हमने पढ़ा 4, घनवाद में क्या पढ़ा? 7, 3 बढ़ गया। ठीक, आगे, पाब्लो पिकासो कौन से वाद से संबंधित है जल्दी बताएंगे। पाब्लो पिकासो अभी अभी जस्ट पढ़ा है, किससे संबंधित है? घनवाद से। ठीक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कौन सा चित्र एक रंगी, मतलब एक रंग वाले को ना मोनोक्रोम बोलते हैं, ठीक है, इस योजना से संबंधित हुआ है, मतलब चित्रित हुआ है बताओ, कौन सा चित्र है? हाँ, आंसर की बात करेंगे, ये है ग्वेर्निका। ग्वेर्निका को बनाने वाले कौन है? अभी आगे आएंगे, रुको, यही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचवा, कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार है बताओ? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बताओ, क्लास छोड़ी तो बहुत भयंकर तरीके से पछताओगे। ठीक है, हाँ, पढ़ लो, बिल्कुल आंसर होगा क्या? पिकासो है, 20वीं शताब्दी के। ठीक, कागज के टुकड़ों को कैनवास और अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से क्या बनता है बताओ? कागज, का से कागज और का से क्या होगा? का से कागज, का से कोलाज, याद रखना है, जब कागज के टुकड़ों को चिपकाने की बात आए तो कोलाज हो जाएगा, और जब फोटो की बात हो जाए तो मोंटेज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी आएगा क्वेश्चन वो भी। पूछा गया है, कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से स्टार्ट होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए, कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में कौन से आंदोलन से स्टार्ट होता है? फटाफट से छापेंगे सभी लोग, बिल्कुल आंसर आएगा आपका, सोशलिस्ट घनवाद। ठीक है, आगे,
नेक्स्ट है सेजा और एमिल बनोई के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर घनवादी सिद्धांतों की स्थापना हुई? बताओ, घनवादी सिद्धांतों की स्थापना पूछ ली गई है आपसे, आठवें का करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा, शाबाश। इसका ना हम रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। हम एक काम करेंगे, जितनी क्लासें हो गई है ना कलाकारों की, इनको एक पूरा मिलाकर एक बढ़िया से मैराथन लगा देंगे कलाकारों की। टाइटल दे देंगे पाश्चात्य कला के सभी कलाकार, ठीक है, उसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से। हाँ बिल्कुल, चलिए आंसर करते हैं आठवें का। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 1907, ठीक है। अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ा है घनवाद की कब होती है, 1907 में, ठीक है, फिर भी भूलना है। हाँ, पूछा गया है किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं? बताओ, ज्यामितीय आकृति को, किसी घन की, बताओ जल्दी से, नौवे का। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको हम प्रिज्मेटिक बोलते हैं, जिसको त्रितलीय बोलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। पूछा गया है लेस डेमोय सैलीज द अविनो, इसके चित्रकार कौन है? फटाफट से छाप देंगे आप लोग, मोने, ब्रॉक, पिकासो, पाल गोगिन। अभी तक जितनी पाश्चात्य कला हम पढ़ा चुके हैं, कल दोपहर में 12 बजे उसका रिवीजन है, तो सभी को कल वहां पर जुड़ना है, ठीक है। पूरा हमने फर्स्ट वे में रिवीजन लगा दिया है, आपको जुड़ना है। चलिए दसवें पे आइए, आंसर होगा ऑप्शन सी, पिकासो, ठीक। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है बताएंगे जल्दी से, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में। दसवें का हो गया है, ग्यारहवें पे आइए फटाफट से। हाँ, आंसर होगा आपका का क्या होगा, स्पेन में, पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में होता है। क्लियर, अभी सब कुछ आएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, धैर्य रखिए। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो कौन सी श्रेणी के लिए फेमस है, ये पूछा गया है, बताओ। श्रेणी पूछ ली गई है आपसे, तो ये किस चीज के लिए, अमूर्तन, मतलब सामने नहीं है, हम सोच कर ही कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमूर्तन। नेक्स्ट, पिकासो का जन्म कब होता है बताओ जल्दी से, इनका जन्म स्थान सब कुछ पूछेगा, बताओ फटाफट से। हाँ, इनके जन्म की बात करेंगे, 1881 में जन्म होता है, कहाँ होता है, स्पेन में। क्लियर, आगे पूछा गया है पिंक पीरियड के लिए कौन फेमस है बताओ जल्दी से, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, बहुत सारे पीरियड है, यहाँ पर पिंक पीरियड पूछ लिया गया है, तो पासे पिंक, पासे पिकासो, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति मतलब पीस किसके द्वारा बनाया गया है बताओ, पिकासो, सल्वाडोर डाली, एफ एन सूजा, वॉन गॉग। 15 पे फटाफट से, शांति की बात हो रही है भाई, शांति। आंसर होगा पिकासो फेमस है, ठीक है। पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में होती है बताओ, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, ऊपर क्या दिया था, 20वीं शताब्दी का कलाकार कौन है, पिकासो है, तो ये 20वीं शताब्दी में ही इसकी मृत्यु होगी, ठीक। आगे, जॉर्ज ब्रॉक कौन से कला आंदोलन से संबंधित है ब्रॉक बताओ, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, घनवाद की ना, तो बस इसी से होंगे संबंधित। आगे, नीली और गुलाबी अवधि, लीजिए ब्लू पीरियड आ गया, पिंक पीरियड आ गया, किसकी कही जाती है बताओ, 18वीं का, पिंक पीरियड पढ़ा था अभी हमने, और यहाँ ब्लू भी पूछा गया है, आंसर चेंज नहीं होगा बेटा, पिकासो ही होगा, ठीक। आगे, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली है बताओ जल्दी से, फटाफट से, आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली है, अफ्रीकी चित्रों से ली है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तीन संगीतज्ञ बताओ जल्दी से, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, तीन संगीतज्ञ, सभी लोग करेंगे आंसर 20 का, फटाफट से आएंगे। हाँ, 20 नंबर पे करिए, वेरी गुड, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल शाबाश। चलिए आंसर की बात करेंगे, तीन संगीतज्ञ पूछा गया है, ऑप्शन ए ही होगा आपका, पिकासो ने इसको बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, घनवाद में कितने आयाम होते हैं बताओ, तीन होते, सॉरी एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, अनेक होते हैं, कितने होते हैं, 21 बताओ। हाँ, तो याद रखना है घनवाद में कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक।
आगे चलते हैं, पिकासो किसके समय में पैदा हुए थे, मतलब बताओ क्या होगा आंसर, पिकासो की बात हो रही है तो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, घन चित्रण बोल दे, घनवाद बोल दे, क्यूबिज्म बोल दे, तो यही है आपके, ठीक है। आगे, वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घनवाद की किसकी प्रथम कृति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेद की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 का है ये, 23 बताओ तो क्या होगा, ये दिए हैं पिकासो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं, घन की बात हो रही है, फटाफट से, चार तो नहीं दिखते हैं, बताओ जल्दी से, फटाफट से, ऑप्शन बी होगा, 3 दिखते हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको। नेक्स्ट है, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों और टेक्निक का समावेश अपने चित्रों में किया है, 25 याद रखना है, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी, पिकासो और ब्रॉक ने किया है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना, घनवाद में है ये, ठीक है। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं, 6, 5, 3, 4 घन के पक्ष बताओ फटाफट से, अभी अभी पढ़ा है हमने, 3 ही दिखते हैं, 3 तक, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बताओ, अविन्यों की अविग्नन सुंदरियां, बताओ अविन्यों की सुंदरियां किसने बनाया है, अविन्यो शब्द आ जाए समझ लेना, कोई और नहीं है, यही है अपने भाई साहब पिकासो, ठीक है। आगे, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है, बताओ जल्दी से, इसका आंसर हम सभी कर लेंगे, ये किसको पता है, मुर्गा, मुर्गा मुर्गा मुर्गा, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड, मुर्गा बताओ भाई, मुर्गा शाबाश, 28 नंबर है भाई, 28, बिल्कुल बिल्कुल, मुर्गा कैसे खाया जाता है, पकाकर, ऑप्शन बी पिकासो, ठीक है। आगे, नेक्स्ट है पिकासो, हाँ पिकासो ने बनाई है ग्वेर्निका, ये कौन सी शैली से संबंधित है, अति यथार्थवादी में पढ़ रहे हैं क्या, बताओ जल्दी से, 29 हाँ बताओ, देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, घनवादी तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन याद रखना है इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी, ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना है शैली। नेक्स्ट है, ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया है, रेम्ब्रा ने, लियोनार्डो ने, बताओ किसने बनाया है, अभी अभी पढ़े हैं ना, फटाफट से बता दो, किसने, पिकासो ने, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्वेर्निका कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, इसीलिए ये बार बार पूछा जा रहा है, बताओ 31 कौन से माध्यम में बना है, 31 थक गए बोलते बोलते, थक गए चलो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी ये है, कैनवास पर तेल माध्यम, ठीक है, और 20 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से कर लो। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, बताओ किसने कहा था, बता दो जल्दी से, मैं शैली विहीन चित्रकार हूं, अब बताओ ये अमूर्त शैली से है तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, पिकासो, ठीक। आगे, नेक्स्ट है, पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग ग्वेर्निका कहां संग्रहित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, किसने बनाई है, कौन सी माध्यम में बनी है, किसका प्रभाव मिलता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको रखा गया है, मेन आपको याद रखना है स्पेन में, ये फालतू का कुछ नहीं याद रखना है, केवल एक चीज याद रखिए, स्पेन हमें जो पिकासो है ना वो मेनली स्पेन से संबंधित है, तो जो भी चीज मिलेगी स्पेन में रखी होगी, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे, नेक्स्ट है, रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनसा स्टार्ट हो गए हैं घर से, इनकी मूर्ति जो है हॉर्स ये किस चीज से बनी हुई है, बताओ 34 मोहन जोदड़ो की जो नृत्य मूर्ति क्या बोलते हैं, अरे कांस्य की मूर्ति मिली थी ना नर्तकी, जो उस चीज से बनी हुई है ना वही इस चीज से बनी है, ठीक है, ऑप्शन बी कांसे में बनी है। नेक्स्ट है, घनवाद कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 5 बताओ, ये जो हम एक्टिंग कर रहे हैं ना इसलिए कि आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो, जल्दी जल्दी आप लोगों का मन बना रहे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ बच्चों के लिए न्यू होंगे और कुछ के लिए तो बहुत मजेदार होंगे जो पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम दोनों को ही ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ 35 पे बताइए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दो प्रकार का होता है, अभी वो भी आएगा सामने, ठीक है।
पूछा जा रहा है फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार रेमंड ड्यूशा विलों की 1914 ईस्वी में निर्मित मूर्ति है हॉर्स, जो कांस माध्यम में बनती है, पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है, अब ये रखी कहां गई है, ये पूछा गया है 36 का। बताएंगे सभी लोग फटाफट से कहां रखी गई है। अब यहां ड्यूशा स्टार्ट हो गए हैं, स्पेन मत मार देना। 36 हाँ बिल्कुल, कहां रखी गई है, ठोके पेरिस में होगी, ऑप्शन सी होगी, ये अमेरिका में रखी गई है, यूएसए में। ठीक है, केवल इतना याद रखिए अमेरिका में, बस आपको याद आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है, घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम किस बताना है। घनवाद से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार पूछे हैं, बताओ। 37 हाँ सभी लोग करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों को पढ़ाया होगा हमने, ठीक है, जितने क्वेश्चन है सब पढ़ाए थे, राम कुमार होगा। नेक्स्ट है, घनवाद में कितनी सतह होती है, बताओ कितनी होती है सतह, आपने पढ़ी होगी, 6 सतह होती है, 3 हमें दर्श दिख, मतलब कि 3 जो होती है हमें तल दिखाई देते हैं। ठीक, इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है, पिकासो हमने देख लिया है, ब्रॉक भी देख लिया है, अब इन दोनों में से कौन नहीं है, अभी फर्नालेजे हम देखेंगे, और जेम्स एंसोर तो यहाँ पर थे ही नहीं, अभी आगे जब पढ़ाएंगे सब मिलेंगे लास्ट में। नेक्स्ट पूछा गया है, निर्वस्त्र स्त्री, बताइए निर्वस्त्र है ये लिखा है, ये किस घनवादी का चित्रण है, बताओ जल्दी से। 1908 का है, बनाए किसने है, 40 आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी ये है ब्रॉक। क्या है आंसर आपका, ऑप्शन सी ब्रॉक। नेक्स्ट पे आते हैं, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया, कब समाप्त होता है, सभी लोग बताएंगे 41 जल्दी से, हाँ टाइम भी हो रहा है काफी, जल्दी जल्दी छापते जाओ, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 तक करेंगे बस। ठीक हाँ, समाप्त पूछा गया है, 7 से स्टार्ट होता है, कहां तक चलता है, 25 तक, कहां तक, 1925 तक चलता है। ठीक, आगे घनवाद का अंतिम चित्र कौन है, बहुत पूछा जाता है ये, बताओ। तो 3 नर्तक हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, आगे द स्टूडियो का कलाकार कौन है, बताओ। हाँ 3 स्टूडियो पूछा है, सॉरी द स्टूडियो, सभी लोग करिए, और देखिए क्लास पसंद आ रही है ना, तो लाइक वाइक करते हुए चलना है। ठीक है, बिल्कुल दिल उड़ाते जाइए। 43 ऑप्शन बी होगा, पिकासो ने बनाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो बनेगा तुरंत, ऑप्शन डी हो जाएगा, घन और शंकु के रूप में देखते हैं। क्लियर, आगे कोलाज का आविष्कारक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ। 45 जब आप आर्ट पढ़ते हैं ना, सबसे पहले यही चीजें बहुत पूछी जाती हैं। 45 कोलाज कौन है, ऑप्शन बी ब्रॉक। क्लियर, आगे नेक्स्ट पूछा गया है, प्रख्यात चित्रकार है पाब्लो पिकासो, इसकी 1929 ईस्वी में बनी वह कौन सी पेंटिंग है, जिसे एक व्यक्ति ने रंग उड़ेल कर नष्ट कर दिया था, बताओ। बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं और दूसरा आके पानी फेर दे, हाँ किसने किया था, मारो मारो उसको, किसने किया था बताओ जल्दी से। 46 ऑप्शन ए, वुमेन इन रेड आर्म चेयर, इस पर मतलब उड़ेल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था, बताओ। 47 बुल फाइट में, इसमें कंटिन्यू बोल लिया, होने लगा खांसी, ऑप्शन ए होगा ऑफसेट लिथोग्राफी। ठीक है, आगे अपने जीवन के ब्लू पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइम बताना है आपको ब्लू पीरियड का, बताओ जल्दी से, ब्लू पीरियड पूछा है। तो देखिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1901 से 4 के, ये बहुत पूछा जाता है ब्लू पीरियड वाला, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट है, पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है 3 म्यूजिशियन,
ये कैनवास पर तेल माध्यम में बनती है, कहाँ सुरक्षित है बताओ। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ चैम साउटिन। लीजिए 1916 के चित्रकार पूछ लिए गए हैं, 50 हो गया है, आ जाओ जल्दी से। ऑप्शन डी मोदी गिलियानी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं, 53 तक है, उसको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में निर्मित है रिक्लाइनिंग न्यूड पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 में बनाई जाती है, किसके द्वारा बताओ। हाँ 51 पे आओ। हाँ ऑप्शन बी होगा, ये मोदी गिलियानी के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द थ्री डांसर्स 1925 का है, कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है, ये पेंटिंग किसकी है। सॉरी बताइए। द थ्री डांसर्स, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो ने इसको बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जो भारतीय डाक टिकट पर छपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ कौन सी है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अरे ये क्या हो गया। चलो करो सभी लोग, इस पे आ जाओ जल्दी से, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं इसमें। हाँ आ गया, ठीक है, अच्छा डोंट नो, हाँ ऑप्शन ए होगा आपका। ठीक है, तीन संगीतज्ञ। ठीक, तो यहां से आपके आज वाले, चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, पूछा गया है, चलिए दोनों एक साथ बता दीजिए। ठीक है, दोनों बेचारे परेशान है, चलिए बताइए दोनों को। पूछा गया है अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ कौन से देश में होता है, पहले का आंसर बताएंगे। दूसरा है अभिव्यंजनवाद कौन से देश के कलाकारों के द्वारा शुरू किया जाता है बताओ। सभी लोग बताएंगे फर्स्ट एंड ओ। सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। हाँ फर्स्ट का बताइए क्या होगा, सेकंड का बताइए, दोनों क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहे हैं, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। बिल्कुल दोनों का ही आंसर क्या होगा, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के ही आंसर जर्मनी हो जाएंगे। अभिव्यंजनवाद का जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी जर्मनी से होती है। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बता दें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं अब आपके, पाश्चात्य कला के मतलब वेस्टर्न आर्ट के ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, आज आपका क्लास करवा देंगे और जितने बचेंगे आपके कल हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, कल नहीं होंगे तो परसों तो आपका पूरा पाश्चात्य कला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको अब इतना ही पढ़ना है जितना हमने आपको पढ़ा दिया है, बाकी आपको पूरा फोकस इसमें रखना है भारतीय कला पे। क्लियर, चलिए आगे चलो। नेक्स्ट है अभिव्यंजनवाद का प्रमुख कलाकार कौन है, नोल्डे मुंक क्ली कॉन्डेंसी, बताइए थर्ड का क्या होगा। सभी लोग केवल उतना ही पढ़ लेंगे जितना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, वरना अगर घुसेंगे तो बहुत तगड़े से पढ़ना पड़ेगा फिर। बिल्कुल थर्ड पे आइए, बिल्कुल आंसर आ गया है, ऑप्शन बी होगा मुंक। ठीक है, आगे पूछा गया है एमिल नोल्डे ये किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंध रखते हैं बताओ। एमिल नोल्डे पूछा है आपसे, भविष्यवाद घनवाद दादावाद बताओ। मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। ठीक है, अभी हम सब प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मन अभिव्यंजनवाद। ठीक है, आगे पूछा गया है द स्क्रीम चित्र किसने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताओ सभी लोग, फिफ्थ का क्या होगा। हाँ आंसर की बात करेंगे, द स्क्रीम चित्र है तो किसने बनाया है, मुंक ने ही बनाया है। ठीक है, आइसक्रीम कहां से खाते हो, मुंह से। ठीक है, आगे ब्लो राइडर ये चित्र है, इसके कलाकार पूछे गए हैं आपसे, ब्लो राइडर बताइए, मुंक नोल्डे कंडेंसकी मोने। बिल्कुल ब्लो राइटर आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी कंडेंसकी। ठीक, आगे पॉल क्ली का जन्म वर्ष पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाँ सातवें का ऑप्शन ए होगा 1879 में इनका जन्म होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है,
फिर पूछा गया है फ्रीडा कोहलो ये कौन से देश से संबंधित कलाकार हैं। फ्रीडा कोहलो बता, जर्मनी, मैक्सिकन, फ्रांस, इटली, बताइए। अगर यहीं पर कोहली होता और नीचे भारत का मतलब नाम होता तो आप लोग भारत लगा देते, लेकिन धोखे से ये कोहलो है। अब कोहलो कौन है तो ये मैक्सिकन है, ठीक है। आगे पूछा गया है कोहली की कला की तुलना किस आधुनिक भारतीय कलाकार से की जाती है। छापो जल्दी से, कोहली की कला की तुलना किस आधुनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर से की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की फ्रीडा कोहलो किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। टेंथ का बताइए, हाँ टेंथ, भारत की फ्रीडा कोहलो किसको कहते हैं, दस दसवें पे आइए, दसवें पे, हाँ चलिए आंसर की बात करेंगे, अमृता शेरगिल को हम बोलते हैं, ठीक है, चले आगे, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, मैक्सिको की, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। मैक्सिको की सर्वाधिक चर्चित महिला चित्रकार है जिसका नाम है फ्रीडा कोहलो, इसके जीवन पर 2002 ईस्वी में किस अमेरिकी नाट ओपेरा निर्देशिका ने एक फिल्म बनाई थी जो फ्रीडा के दर्द और संघर्ष भरे जीवन का यथार्थ चित्रण करती है, बताइए क्या होगा आंसर। किस अमेरिकी नाट ओपेरा निर्देशिका ने, निर्देशिका पूछा गया है, कौन है, जैसे निर्देशक होते हैं वैसे ही निर्देशिका, किसने बनाई है ये पूछा गया है आपसे, हाँ इलेवेंथ का बताइए फटाफट से, बिल्कुल। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, वो है जूली तैमूर, कौन है, जूली तैमूर है, ठीक है। आगे ग्लो राइडर ग्रुप जो है ये किसने चित्रित किया है, बताइए, बारहवें का ग्लो राइडर ग्रुप, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंच मार्क ने, क्लियर। किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है, एडवर्ड को, जो शर्ट को, एडगर डेगा को, पेरे अगस्त रॉनबर्ग को, 13, ऑप्शन बी ये है, जुल्स शर्ट को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आधुनिक पोस्टर का पिता पूछा है, ठीक। आगे यूजीसी का एग्जाम भी देंगे ना अगर इसको पढ़ के, बहुत अच्छे से निकलेगा, ठीक है, याद रखना, बहुत हाई लेवल तक का हर चीज आपको पढ़ाई दी जा रही है कि कहीं से भी पूछ ले आपका लेवल बिल्कुल कवर होगा, ठीक है। पूछा गया है मैक्सिको के विश्व प्रसिद्ध म्यूरल आर्टिस्ट भित्ति चित्रकार जिनसे फ्रीडा कोहलो काफी प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी बताओ, 14, एग्जाम कब तक होगा, टीजीटी का एग्जाम अभी नहीं होगा, मार्च अप्रैल में प्रबल संभावना है, ठीक है, हाँ ऑप्शन ए ये है, डिएगो रिवेरा, ठीक। आगे ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट बताओ, 15, जो नहीं है पता बिल्कुल हंसते हंसते तुक्का मारो, 15, ऑप्शन बी अगस्त मैं के, आज जब वो कौन सी मैराथन चल रही थी दोपहर में 12 बजे वाली, उस वीडियो में एक लड़की ने कमेंट, लड़की को या लड़का हमें ध्यान नहीं दिया, उसमें एक ने कमेंट किया था कि मैम तुक्का लगाने की ट्रिक बता दीजिए, उसमें क्या बोला था, मैम तुक्का लगाने की ट्रिक बता दीजिए, मैम खुद अगर सॉल्व करती है तो 125 में 120 अगर सही भी होते हैं और 5 में सोचो अगर कि तुक्का लगा दो तो हमेशा हमारे गलत ही होते हैं। अब आप लोगों के अगर सही होते हैं तो आप लोग खूब बेशक आराम से तुक्का लगाया करिए, ठीक है, हाँ मैम से तुक्का की ना पूछिए, मैम के तुक्का बहुत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है 1905 में अर्नेस्ट लुबिन, पूछा गया है क्रिशनेर, इनके नेतृत्व में चार जर्मन कलाकारों फ्रिट्ज ब्लेड, एरिच हैकल, अब इनके नाम है अच्छे अच्छे सुन लीजिए, अर्नेस्ट लुडविग किरन और कार्ल स्मिट रोटलव, इसके एक समूह ने डेस सॉरी
ड्रेसडेन शहर में किस चीज का गठन किया था, बताइए। मेनली आपको याद रखना है 1905 में क्या होता है कि अर्नेस्ट लुडविग किर्चनेर, ये एक ग्रुप होता है, इनके नेतृत्व में चार लोग करते हैं और ये चारों के नाम दिए हुए हैं अजीब टाइप के, ठीक है। इनके नेतृत्व में एक बहुत अच्छा गठन होता है, किस चीज का गठन होता है ये आपसे पूछा गया है 16 नंबर पे, हाँ 16वें पे बताइए। हाँ आंसर है आपका ये डाई ब्रूक हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। हाँ चलो आ जाओ, बिल्कुल 17वें पे आइए, बिल्कुल आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ये है संकल्पनात्मक कला। क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन बी संकल्पनात्मक कला। नेक्स्ट है जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डेस और फिर डेस है, इसकी कृतियों से रखी गई है, मतलब अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जो जड़ें हैं वो किस चीज से, मतलब किनके किनके संयोजन से बनी है, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है, बताओ। अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें किन्होंने मजबूत की हैं, ये पूछा गया है नाम, बिल्कुल 18वें पे आइए, ये सही हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलो तुक्का सही है। हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, विंसेंट वॉन गॉग और एडवर्ड मुंच, इन दोनों ने की थी, ठीक है याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंब प्रदान किया गया है, बताओ 19। हाँ चलिए 19 पे आइए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, रोमांसवाद और स्वच्छंदवाद, क्लियर। आगे नेक्स्ट है एडवर्ड मुंच ने चार संस्करणों में किस प्रसिद्ध कला को चित्रित किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, बहुत, बताओ। हाँ अभी अभी पढ़ा है ना द स्क्रीन को, इसको चार संस्करणों में चित्रित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्तिवादी कला की प्रविष्ट विशेषता क्या थी, बताओ सभी लोग, क्या होगा 21, फटाफट से बताएंगे आप लोग, सभी लोग करेंगे, बिल्कुल। हाँ आंसर की बात करें ये सभी हो जाएगा, कला जो वास्तविकता की बजाय भावना व्यक्त करती है, सही है। विकृत और अतिरंजित विषय, बिल्कुल सही है। ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग, ये सब चीजें यहाँ की विशेषता है, ठीक है। आगे पूछा गया है द ब्लू राइडर 1911 में स्थापित होता है, समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है, एगोन्सिली, हेनरी मार्टिस, फ्रांज मार्क, क्लोद मोने, 22। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, आंसर है आपका ऑप्शन सी फ्रांज मार्क, ठीक है बहुत अच्छा। हाँ चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा गया है फैट ऑफ द, लीजिए फैट ऑफ द एनिमल्स, मतलब 1913 में बनाया जाता है चित्र कैनवास पर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी सब कुछ याद करना है, ठीक है। तेल माध्यम में 6 फिट और 4 सही 3/4 इंच और 8 फिट, ये पूरा वो डाटा दिया हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। और ये कहाँ संग्रहित है, बेसल में रखा गया है, किसने चित्रित किया है बताओ, 23। हाँ आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये फ्रेंच मार्क ने इसको चित्रित किया है, क्लियर। आगे नेक्स्ट है 24, द टावर ऑफ ब्लू हॉर्सेस 1913 का चित्र है, ये तेल से बना, चित्रकार कौन है, 24 पे आएंगे आप लोग, बताओ। वेरी गुड, आंसर है आपका क्या, ऑप्शन डी फ्रांज मार्क ने इसको बनाया है, ठीक है ये टाइप नहीं हुआ है सही से। नेक्स्ट है जर्मन पत्रिका है द स्टॉर्म, इसमें किस ऑस्ट्रियन मतलब ऑस्ट्रिया देश का रहने वाला कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी, 25, नैन्सी प्रिया, चलिए आंसर करिए सभी लोग, 25, बिल्कुल आंसर है आपका क्या, ऑस्कर कोकोस का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। आगे किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस 1911 ईस्वी को
चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य बना था? बताओ 26। हाँ आ जाओ, बहुत नाटकबाज हो आप लोग। ऑप्शन ए फ्रांज मार्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना क्या है? 27। आज तो मामला गड़बड़ है। क्या होगा? चलो चलो कर लो, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा बाद में, ठीक है। जब रिवाइज करेंगे ना सब आने लगेगा। ऑप्शन बी भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्ति परक दुनिया को कल्पना में बदलना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्क्रीन शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश के द्वारा चित्रित किया गया है, बताइए 28 का। बस खत्म होने वाला है, आ जाओ जल्दी से, बस जब जागो तभी सवेरा, जब नींद आए तभी रात, ठीक है। ऑप्शन ए एडवर्ट मुंच ने द स्कीम बहुत बार पढ़े हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन कब प्रारंभ होता है, बताओ। हम पता है थोड़ा सा बात करते हुए इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों का मन बना रहे, क्योंकि हमें पता है ये जो मतलब पाश्चात्य कला होती है ना, इसीलिए लोगों का मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि नाम ऐसे है कि नाम ही घुमा देते हैं इंसान को, और फिर ये तो आपको पढ़ना पड़ रहा है पूरा। सोचिए आप किनको पढ़ रहे हैं। हाँ ऑप्शन डी, ये है 1900 की शुरुआत में, ठीक। नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की है, बताइए 30 का क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही आएंगे, क्योंकि हमें पता है जो घुमाएगा ना वो यही पे घुमाएगा, और हम घूमने देंगे ही नहीं, हम सब पढ़ा देंगे, पूछेगा कहां से, पूछो तुम। ऑप्शन सी होगा भावनात्मक अनुभव, ठीक है। आगे सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है, बताओ। इन्होंने बता दिया है ये है, अब कौन है आपको बताना है, आप भी बता दो यही है। हाँ बताओ 31 क्या होगा। जो रिवीजन क्लास करवा रहे हैं ना दोपहर में 12 बजे महामैराथन, उनको जरूर देख लीजिएगा, उसमें सब रिवाइज करवा देंगे आपका, बार बार पढ़ा देंगे, इतने बार पढ़ा देंगे कि आप लोग खुद बोलेंगे, बस कंटिन्यू बनाने मतलब कंटिन्यू रहना है आपको, पढ़ना है जितने बार पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मैक्स बैकमैन, ओटोडिक्स, लियोनेल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रॉस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें, बताओ 32। आज का जो हमारा वो हुआ था ना टेस्ट दोपहर में 12 बजे पूरी महामैराथन हुई थी, उसमें रागनी, क्या नाम है उसका, रागनी और रेखा, ये दोनों लोगों ने पूरा टेस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक दिया है। तो अब इनसे सोचो अगर ये फिर से अगर इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो इनसे पूरे बन रहे होंगे, और आपने अगर एक ही बार रिवाइज नहीं किया है तो आपसे नहीं बनेगा। आप लोग भले ही एक बार पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, जब तक आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन बी मैक्स बैकमैन, ठीक है। आगे उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ है, बताओ 33। हाँ चलिए होने दीजिए गलत, दोबारा मैं गलत नहीं हूं, बस ये कोशिश करना है, ठीक है। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट है कथन कारण, हमें मालूम है बहुत नींद आती है लेकिन कंट्रोल, बताइए। एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, इन्होंने वुड कट और लिथोग्राफी माध्यम में भी कार्य किया है, और कारण दिया है उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला की केवल एक टेक्निक से संतुष्ट नहीं होते थे, क्या ऐसा है, बताइए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। आगे द आइसक्रीम के चित्रकार कौन है, बताओ। बहुत बार पढ़ा है आइसक्रीम कैसे खाते हैं मुंह से, चलो खिला दो इनको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डेथ वेल, हाँ बताना है डेथ वेल, कैनवास पर तेल माध्यम में 1900 का है, चित्र किसका है, बताओ 36। सभी लोग बताएंगे, शाबाश, बिल्कुल
आंसर है आपका ऑप्शन सी एडवर्ड मूक। ठीक है, नेक्स्ट है द फैट केक या फिर फैट कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट, 28 अप्रैल 1982 का है, ये कृति किसकी है? रूबेंस बताएंगे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी होगा जोसेफ बॉयल की है। ठीक है, आगे पूछा गया है ट्विटरिंग मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट, 1922 में बनता है, जल रंग और स्याही से, ये चित्र किसका है? 38 बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा पॉल क्ली। कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक ने बनाया है बताओ जल्दी से। अच्छा नहीं बनाया है पूछा है, तो देखिए क्या नहीं बनाया है बताओ जल्दी से। हाँ देखिए इसकी बात करें, इन्होंने मृत्यु सैया भी बनाई है, द किस भी बनाया है, ऑप्शन डी मृत्यु भी बनाया है, लेकिन 3 मई इन्होंने नहीं बनाया है। 3 मई हमने पीछे पढ़ा था, पीछे चैप्टर में, मालूम है किसी को 3 मई किसने बनाया है? सभी लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स पे छाप देना। ठीक है चलो आगे चलते हैं, बाहौस स्कूल कहाँ स्थित है बताओ। 14 और इस चैप्टर, शाबाश वेरी गुड। हाँ बाहौस स्कूल कहाँ पर स्थित है बताओ। हाँ गोया ने बनाया है 3 मई, चलो ठीक है इस पर। हाँ तो बाहौस स्कूल कहाँ है, ये आपके जर्मनी में है। क्लियर, आगे चलते हैं, तो यहाँ से ये वाला चैप्टर निपट जाता है जैसे तैसे, दूसरा फिर से आ जाता है। अब बताओ 1926 ईस्वी में एनिमिक सिनेमा शीर्षक से फिल्म किस दादावादी कलाकार के द्वारा बनाई गई थी बताओ। एनिमिक सिनेमा शीर्षक से मतलब ये एक फिल्म है 1926 की, किस दादावादी कलाकार ने बनाई है? पिकाविया, दुलशा, अर्नेस्ट, मनरे, सभी लोग बताइए। फर्स्ट पे आइए, फर्स्ट पे आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है दुलशा ने बनाई है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रांसिस पिकाविया ये कौन से कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? घनवाद, दादावाद, प्रभाववाद, शास्त्रीयवाद बताइए। आंसर होगा ऑप्शन बी दादावाद से। नेक्स्ट फाउंटेन 1917 में बनता है, किस दादावादी कलाकार की कृति है? दुलशा, पिकाविया, अर्नेस्ट, पिकासो, शाबाश। थर्ड पे आइए, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, मार्शल दुलसा ने बनाया है। क्लियर, नेक्स्ट निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? यहां से सब बनेंगे आपसे। ठीक है, हाँ फोर्थ पे आइए, दादावादी पूछा है तो ये अर्नेस्ट मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा। अच्छा बताओ दादावाद के जनक कौन है बताओ, दादा बताओ पटापट से, फिफ्थ का आंसर होगा क्या? अभी अभी हमने पढ़ा है दुलशा भी है और पिकाविया भी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घूमती कांच की तस्तरियां इसको चित्रित करने वाले कौन है बताओ जल्दी से। ठीक बताओ, घूमती कांच की तस्तरियां, सिक्स, शाबाश, ऑप्शन ए मार्शल दुलसा ने बनाई है। क्लियर है, मार्शल दुलसा का जन्म कहां पर होता है बताओ, पेरिस, रोम, ब्रिटेन, जर्मनी, चलते रहो वीर तुम, बढ़िया चलो, बढ़िया चलो। हाँ ऑप्शन ए होगा, ये पेरिस में जन्म होता है मार्शल दुलसा का। नेक्स्ट है, किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया था क्या? सेजा का ये पोर्ट्रेट, मतलब सेजा का पोर्ट्रेट नाम दिया था किसने बताओ। मार्शल दुलसा ने, रेम्ब्रा, पिकाविया, माने बताओ, एट का क्या होगा? ऑप्शन सी ये पिकाविया ने। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई, सॉरी निर्वस्त्र है ये, ठीक है, ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई वधु, ये चित्र किसने बनाया है बताइए, नाइन्थ का, बहुत अच्छा शाबाश, ऑप्शन ए ये है मार्शल दुलसा ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, काफी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसने बनाए हैं बताइए, जेरी कॉल, माइकल एंजेलो, वॉन गॉग, मार्शल दुलसा, एग्जाम के लिए ये आपका सबसे बेहतरीन फास्ट वे में रिवीजन है ये बताइए, क्या होगा आंसर 10th का, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये मार्शल दुलसा होगा।
उस कलाकार का नाम बताना है जिसे वैचारिक कला के तथा कथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्शल दुनसा, सल्वाडोर डॉली, पिकासो, इनमें से कोई नहीं। ग्यारहवे का क्या होगा? वैचारिक कला पूछी है। हाँ, आंसर होगा मार्शल दुनसा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, पसंदीदा टेक्निकों के रूप में कॉलेज और फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव होता है? द स्टिल या फिर साइकेडेलिया, दादावाद, अति यथार्थवाद। ट्वेल्थ करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन अरे ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका दादावाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां से ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, आपके ना आज जाने कितने चैप्टर मतलब निपट गए हैं, मतलब ज्यादा नहीं बचा है आपका, थोड़ा सा ही अब आपका बचा है पाश्चात्य खत्म होने को। ठीक है, मतलब कुछ ही, 3 से 4 चैप्टर बचे हैं खत्म होने को, पूरे आपने पढ़ डाले हैं पीछे से। अब एक काम करना है, जितनी हम मैराथन करवा दें उनको पढ़ लेना और फिर से एक बार इनका सीक्वेंस में पढ़ लेना। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया था, बताइए। सभी लोग बताएंगे, यह है आपका अति यथार्थवाद चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ, इसके चित्रकार कौन है, बताओ सभी लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉली है। ठीक, नेक्स्ट, स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? 12 में 10 सही हो गए, फर्स्ट टाइम, शाबाश, वेरी गुड। थर्ड पे आइए, स्पेन का अति यथार्थवादी पूछा है, तो यही है अपना सल्वाडोर डॉली हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सल्वाडोर डॉली का है, बताओ कौन है? अरे भाई, चलिए बताइए कौन है सल्वाडोर डॉली का? द परसिस्टेंस, बहुत बहुत बार पढ़ाए हैं ये, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिर पूछा गया है मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, ये सब पढ़ा चुके हैं हम पहले, ये वाले सब प्रैक्टिस सेट में मिले हैं आपको। फिफ्थ का बताइए, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? शाबाश, सल्वाडोर डॉली। नेक्स्ट, अति यथार्थवाद को विकसित किसने किया है? ब्रेटो, वॉन गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डॉली, बताइए। सिक्स, हाँ, सभी लोग बताएंगे क्या होगा 6 का, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है ब्रेटो। ठीक है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है, सभी लोग बताते चाहिए, टाइपिंग सभी की होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, आंसर की बात कर लें, आंसर है आपका ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अति यथार्थवादी के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? हाँ, 8th का करेंगे, शाबाश, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी सल्वाडोर डॉली हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति जो है ये किसने आविष्कार किया है, बताइए। फ्रोताज जो पद्धति है उसका आविष्कार किसने किया है? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, मैक्स अर्नेस्ट ने किया है। क्लियर, नेक्स्ट, ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में निर्मित वर्ष 1926 ईस्वी का है, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, ये चित्र कौन से स्पेनिश चित्रकार ने बनाया है, बताइए। 10वें का बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये जॉन मीरो ने इसको बनाया है। ठीक है, वेरी गुड, फिर पूछा गया है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 1 से 11 तक अभी हमने पढ़ा दिया ना, और इसके पहले जितना पढ़ाए हैं वो 12 क्वेश्चन, वो वहां से और यहाँ तक, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, इनको बार बार पढ़ लेना। ठीक है, बताओ क्या होगा 11th का, बिल्कुल आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मीरो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, समस्त अति यथार्थवादियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? 12th का बताएंगे, सभी लोग करेंगे, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अति यथार्थवाद व चित्र का ये एक मतलब पुस्तक है, इसके लेखक कौन है पूछा गया है। ब्रेटो एल्वार पियर बताइए। 13 अति यथार्थवाद व चित्रकार ये पुस्तक है और इसको किसने बनाया है लिखा है ब्रेटो ने। क्लियर। आगे नेक्स्ट है अति यथार्थवाद की मासिक पत्रिका है अति यथार्थवादी क्रांति, इसका प्रकाशन आरंभ पूछा गया है बताइए। 14 ऑप्शन सी होगा 1924 ईस्वी में। क्लियर। स्त्री और पक्षी या फिर कह दीजिए डोना आई ओसेल 1983 ईस्वी का है, बार्सिलोना स्पेन में प्रदर्शित है, ये किसकी शिल्पाकृति है बताओ सभी लोग। 15 ऑप्शन बी जॉन मीरो की। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, खांसी आ रही है बार बार, वैसे काफी आज हो गए हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताना है जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी, बताइए कौन है। मैक्स अर्नेस्ट है, एंड्रे ब्रेटन है, डी चिरिको है या फिर सल्वाडोर डॉली है। क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है अलेक्जेंडर कॉल्डर अमेरिकन मूर्तिकार हैं, सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य रहते हैं और इस कला आंदोलन की पहचान करना है, बताओ कौन से कला आंदोलन, बताओ रोमांटिक कला है, काइनेटिक कला है या फिर प्रभाववादी है, उत्तर प्रभाववादी, यथार्थवादी। क्या होगा आंसर, 17 ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है काइनेटिक कला। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लीजिए, बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर फटाफट से, और आंसर सभी को करना है। ठीक है, चलिए आप कमेंट आने लगे अपने, बिल्कुल। पूछा गया है 1975 ईस्वी में किसे BMW 3.0 CSL को चित्रित करने के लिए अनुबंधित किया गया था, जो BMW आर्ट कार प्रोजेक्ट में पहला वाहन है, बताओ। 18 आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यह है अलेक्जेंडर कार्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र 1924 में सार्वजनिक किया था, जिसको ये लिखा था, बताइए। 19 पे आइए सभी लोग, शाबाश, ऑप्शन ए होगा, ये है आंद्रे ब्रेटन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आई एंड द विलेज, क्या है आई एंड द विलेज, 1911 में बनता है ये चित्र और कैनवास पर तेल माध्यम में, संग्रह की बात करें तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा गया है, इसके चित्रकार पूछे गए हैं आपसे, बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर 20 का। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क शागाल। ठीक है, आगे नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूसिफिक्शन ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस 1951 का चित्र है, इसके चित्रकार पूछ लिए गए हैं आपसे, पिकासो, रेम्ब्रा, लियोनार्डो, सल्वाडोर डॉली, सभी लोग 21 का करेंगे, बताइए। 2 से 3 दिन में आपका जो ये वेस्टर्न आर्ट है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा मतलब हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, जो मेन फैक्ट थे ना क्वेश्चंस, वो हमने आपको करवा दिए हैं और 2 से 3 दिन में आपका ये जो मतलब बुक क्या बोलते हैं वेस्टर्न आर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपका, सल्वाडोर डॉली। नेक्स्ट है बर्निंग जीराफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चित्र जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बर्निंग जीराफ पूछ ले। फिर दिया है प्रीमोनिशन ऑफ सिविल वॉर, और फिर है गाला इन द विंडो, और फिर है लॉबस्टर टेलीफोन सिंक्स, ये सब जो चित्र हैं वो किसने बनाए हैं ये पूछा गया है आपसे 22 का, बताएंगे। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। क्लियर, आगे चलते हैं। कौन सी शैली में यंत्रवत ड्राइंग, बुलेटिज्म, कोलाज, कुलेज, कट अप,
डेकाल्कोमानिया, फोटोमोंटेज, ये सब टेक्निक का यूज हुआ है, मतलब विकास हुआ है, कौन सी शैली में विकसित हुई है ये सब चीजें बताइए जल्दी से। हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका अति यथार्थवाद। क्या होगा आंसर 23 का? ऑप्शन बी, अति यथार्थवाद। ठीक है, नेक्स्ट है सल्वाडोर डॉली किस कलावाद के प्रतिनिधि कलाकार थे, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। सल्वाडोर डॉली कौन से कलावाद से संबंधित हैं, तो आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है भाववाद के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 1926 में चित्रित है द बास्केट ऑफ ब्रेड, इसके चित्रकार कौन है, पिकासो, मुंच, डॉली, रिनोया। 25 हाँ आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉली। ठीक है, सल्वाडोर डॉली। नेक्स्ट, अति यथार्थवादी आंदोलन को 1924 में किसने संस्थापित किया था, सल्वाडोर डॉली, आंद्रे ब्रेटन, जुआन मीरो या फिर सिगमंड फ्राइड। 26 1924 में, ये भी याद रखना है, ऑप्शन बी होगा आंद्रे ब्रेटन ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, डैस को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो कि स्पेनिश था, वो कौन है, 27वें का बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर, सल्वाडोर डॉली। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी हैं, इनके नाम को पहचानना है, बताइए। सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग, मनरे, एडवर्ड वर्ड्सवर्थ या फिर जा आप या फिर आंद्रे ब्रेटन। 28 आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, आंद्रे ब्रेटन। ठीक है, नेक्स्ट है, अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डेस 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 के द्वारा शुरू किया जाता है, इन्होंने 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र भी लिखा था। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर बताइए, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, ऑप्शन ए होगा आंद्रे ब्रेटन की बात हो रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सल्वाडोर डॉली का उल्लेखनीय कार्य है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है ये, सल्वाडोर डॉली का। अब माध्यम पूछ लिया गया है बताइए, तो ये तेल चित्र है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नीचे दी गई चार सूचियां हैं बताना है, जो कि अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करना है, बताइए 31 का क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रीडा कोहलो। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था इसके पहली वाली क्लास में। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डॉली 1942 ईस्वी में प्रकाशित होता है, इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है। 32 सभी लोग बताएंगे, द सीक्रेट ऑफ सल्वाडोर डॉली इसके लेखक कौन है, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, सल्वाडोर डॉली। क्लियर, आगे नेक्स्ट, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत जो है वो किसके थे, बताइए। हाँ मुझे लेट हो गया, कोई बात नहीं, आ जाइए, अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, बताइए 33 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ये है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, याद रखना है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार हैं मैक्स अर्नस्ट, इनका जन्म कौन से देश में होता है, बताइए। मैक्स अर्नस्ट की बात हो रही है 34 पे, सभी लोग बताएंगे जर्मनी में इनका होता है। क्लियर, आगे नेक्स्ट है, एक जर्मन चित्रकार, मूर्तिकार और ग्राफिक कलाकार और कवि मैक्स अर्नस्ट हैं कौन, तो ये किस कलावाद के अग्रणी थे, बताइए। 35 देखिए, ये दादावाद के भी अति यथार्थवाद के भी आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, पूछा गया है फ्रोताज टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो वस्तुओं के पेंसिल रबिंग का उपयोग करती है और आविष्कार किसने किया है इसका, ये पूछा जा रहा है 36 का, बताइए क्या होगा आंसर।
बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोताज टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जो वस्तुओं के पेंसिल रबिंग का यूज होता है इसमें। हाँ, ऑप्शन बी मैक्स अर्नेस्ट ने इसको विकसित किया है। क्लियर। आगे नेक्स्ट है ग्रेटाज पद्धति है दूसरी। ये एनालॉग टेक्निक है जिसमें पेंट को स्क्रैप किया जाता है, कैनवास के ऊपर वस्तुओं के निशान को प्रकट किया जाता है। इसके लिए कौन जाना जाता है? 37 का पीछे कौन सा था? फ्रोताज था। यहाँ ग्रेटाज पद्धति पूछी गई है, बताइए। ऑप्शन ए यही होगा आपका, मैक्स अर्नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताना है जो पक्षियों के प्रति आशक्त या और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। 38। हाँ, यही है अपने, मैक्स अर्नेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था जिसने कहा था कि मैं दुनिया की सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। बताइए, अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद, रोमांसवाद, अति यथार्थवाद। 39 क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, अति यथार्थवाद। ठीक है, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डॉली ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवादी है, बिंदुवादी है, प्रभाववादी है, अति यथार्थवादी है? 40 का बताएंगे सभी, तो याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अति यथार्थवादी है। क्लियर। नेक्स्ट है सल्वाडोर डॉली का जन्म कौन से देश में होता है? इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में? 41 पे आइए। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट, एक ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांट-गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। मनरे, जॉर्ज ग्रास, सल्वाडोर डॉली, पॉल नैश। जितने भी एस्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार एस्टेट वाले, रात में 9 बजे उनकी क्लास चलती है डेली, तो सभी को उसमें जुड़ना है। प्लेलिस्ट भी बना दी है आपकी। ठीक है, हाँ, 42 में पे आइए। ऑप्शन सी होगा, सल्वाडोर डॉली। क्लियर। नेक्स्ट, विख्यात कलाकार हैं आंद्रे मेसन, ये किस कलात्मक, हाँ तो क्या है, कलात्मक आंदोलन से संबंधित है पूछा गया है, बताइए। 43, ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है अति यथार्थवाद। ठीक है, नेक्स्ट है लिटिल मशीन कंस्ट्रक्टेड बाय मिनीमैक्स डाटा मैक्स इन पर्सन, 1919 से 20 के बीच का है ये, मिक्स मीडिया कला, बताइए किसका है? पिकाबिया, कूर्बे, पिकासो, मैक्स अर्नेस्ट। 44 ऑप्शन डी होगा, मैक्स अर्नेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है आपसे, पूछा गया है दृष्टि की सतता, परसिस्टेंस ऑफ विजन, इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलसिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दृष्टि की सतता फ्लिप बुक्स में प्रयुक्त एक द्रव विषय है, ये भी सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्स अर्नेस्ट किस चीज से संबंधित है, बताओ, कौन से वाद से? 46, हाँ आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अति यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्लू सर्कस 1950 में चित्रित होता है, इसको किसने चित्रित किया है, बताएंगे सभी। हेनरी माथिस, मैक्स अर्नेस्ट, मार्क शागाल, जॉन मीरो। 47 ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क शागाल। नील 1937 में बनता है तेल माध्यम में, पेंटिंग किसकी है ये पूछी गई है, पावलो पिकासो, सल्वाडोर डॉली, रामनाथ परसीचा, पसरीचा या फिर मोनेट। 48 नील ऑप्शन बी होगा, सल्वाडोर डॉली ने इसको बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है, नवंबर 2019 न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज के नवंबर 2019 न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज के इम्प्रेशनिस्ट और मॉडर्न आर्ट सेल में बेल्जियम के अति यथार्थवादी चित्रकार रेने मैगराइट की 1956 ईस्वी की पेंटिंग है ला सीज सेप्टेम्बर, ये कितने कीमत में बिकती है? ऑप्शन ए होगा, ये 19.6 मिलियन डॉलर में बिक्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित द सॉन्ग ऑफ लव 1914 में बनता है ये चित्र कैनवास पर तेल माध्यम से, किसने बनाया है पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए। सभी लोग बताएंगे किसने बनाया है। शाबाश, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्जियो डी चेरको ने बनाया है। ठीक है, चलो आते हैं नए क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? पॉल किली, मार्क रोथको और जैक्सन पोलाक, विक्टर वॉसरेली। फर्स्ट का क्या होगा आंसर? एक्शन पेंटिंग, एक्शन की बात आ जाए तो बस जैक्सन याद रखना है, एक्शन जैक्सन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्शन पेंटिंग कौन सी शैली से जन्मी है बताओ? घनवाद, अति यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, बताएंगे सभी लोग। आंसर होगा ऑप्शन डी, अमूर्त अभिव्यंजनावाद। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ होता है? फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, जैक्सन पोलाक की प्रसिद्ध कृति पूछी गई है, कौन सी है कृति पूछी गई है? शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लू पोल्स। किसकी है ये? जैक्सन पोलाक की। क्लियर, आगे। जैक्सन पोलाक कौन से देश के रहने वाले हैं बताइए? इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, कहाँ के हैं? फिफ्थ का क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन बी, ये अमेरिका में है, अमेरिका के। ठीक है, कलर फील्ड पेंटिंग है, इसका मुख्य चित्रकार कौन है? कलर फील्ड पेंटिंग, पिकासो, मार्क रोथको, देगा, मुंक। सिक्स का, सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन बी, ये है मार्क रोथको। नेक्स्ट, डच अमेरिकन चित्रकार विलियम डी कूनिंग का जन्म कब होता है? अमेरिका, मतलब कहाँ होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, नीदरलैंड। सेवेंथ का बताएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड्स में होता है। ठीक है, अमेरिकन कला के प्रणेता कौन है? हाफ मैन, जैक्सन पोलाक, विक्टर वॉसरेली, पिकासो, बताइए। अमेरिकन कला के प्रणेता पूछे जा रहे हैं आपसे, आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट है, आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया नमूना कौन सा है बताइए? मिनिमल आर्ट है, आर्ट है, स्वाटिनल आर्ट, फोक आर्ट या फिर क्लासिकल आर्ट, बताइए। आधुनिक अमेरिकन कला का एक नया नमूना पूछा गया है, ऑप्शन ए होगा, इसको हम मिनिमल आर्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, समसामयिक कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान किसका प्राप्त होता है? मनोवर्धक कला, अमेरिकन कला, यथार्थवाद, लोक कला। किसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है समसामयिक कला में? ये है अमेरिकन कला ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बहुत लंबा चौड़ा, लीजिए। पूछा गया है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गति पूर्वक छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेश पूर्ण शैली है जिसे खास कार्य स्थल के सामने की ओर रखा जाता है, ये कौन सी शैली है बताइए? इलेवेंथ का, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये एक्शन पेंटिंग है, आपकी एक्शन पेंटिंग।
ठीक है। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करना है, कौन है? हमने अभी अभी बताया है, एक्शन प्लस जैक्शन, जैक्शन पोलाक हो जाएगा। आगे 1940 और 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? जैक्शन पोलाक है, कैथ कोब्लिक्स है, एडवर्ड माने हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जितनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ते जाओ, जब आप एग्जाम दोगे तब आपको खुद समझ में आएगा जो मैम ने पढ़ाया है वो आपको कहाँ तक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं बिल्कुल नहीं छोड़े, बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर आपको जो ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये बिल्कुल से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि उनके सिलेबस में तो पूरा पूरा मेंशन है यही चीजें। ऑप्शन ए जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था, उस कला आलोचक का नाम बताना है। 14 बताएंगे सभी लोग, और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। ऑप्शन ए हेरोल्ड रोजनबर्ग। नेक्स्ट, कलर फील्ड पेंटर कौन है बताओ, अभी अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर, कौन है? मार्क रोथको, ठीक है। चलिए तो यहां से आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो पूछा जा रहा है ऑप आर्ट का आरंभ किसने किया था बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे, सभी लोग, अभी डेट नहीं आई है लेकिन आ जाएगी, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए हाँ, बिहार एस्टेट, चलिए इसको बताइए फर्स्ट का, ऑप कला का आरंभ किसने किया था? कोकोशका, विक्टर वासरे, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विक्टर वासरेली, ठीक है। नेक्स्ट, विक्टर वासरेली का जन्म कहाँ होता है सभी लोग बताएंगे, विक्टर वासरेली का जन्म कहाँ होता है? ऑप्शन ए हंगरी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, हेलन फ्रैंक थेलर तथा एलिसबर्थ केली, इनका संबंध नेत्री कला के अतिरिक्त और कौन सी कला से माना जाता है? नेत्री कला से बताइए किससे माना जाता है, थर्ड को बताएंगे सभी लोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रंग क्षेत्रीय कला से माना जाता है। नेक्स्ट, ऑप आर्ट क्या है? सजावटी कला है, घनवादी कला है, नेत्री कला है, या फिर समकालीन कला है? ऑप आर्ट पूछी गई है फोर्थ, बताइए। हाँ ऑप्शन सी होगा, ये आपकी नेत्री कला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, यथार्थवादी, प्राक रैफलवाद, प्रभाववाद तथा पॉप कला आदि ने किस प्रकार के विषयों का अधिक चित्रण किया है? वर्ग संघर्ष, प्राकृतिक सौंदर्य, वैज्ञानिक प्रगति, समकालीन जनजीवन, फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है समकालीन जनजीवन, ठीक है। आगे, पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? रूसो, रोआल्ट, सागाल, एंडी वारहोल, बताइए सिक्स का क्या होगा, पॉप आर्ट पर किसका अधिकार है? हाँ आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी, एंडी वारहोल हो जाएगा, ठीक है। आगे, पॉप कला का उदय कहाँ पर हुआ है? अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, सेवेंथ पे आइए फटाफट से, पॉप कला का उदय पूछा है, आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, ये इंग्लैंड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंग्लैंड में कौन सा पॉप कलाकार है जो पहली कृति प्रदर्शित हुई है बताइए, हैमिल्टन, पीटर ब्लैक, या फिर फ्लिप या किटाज, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ये है हैमिल्टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में पॉप कला कौन से वर्ष में आरंभ होती है? 1950, 1960, 1956, 1964, नौवे का बताएंगे सभी क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है 1960। इनमें से कौन अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है? एंडी वारहोल, लिस्टेस्टाइन, या फिर जिम डाइन, जॉटिल्सन, दसवें का अमेरिकी पॉप कलाकार नहीं है पूछा है, हाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जॉटिल्सन, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड्स ब्लू वॉल ये किस पॉप कलाकार की कृति है? जिम डॉइन, वारहोल, ओल्डनबर्ग,
कीन होल्स। इलेवेंथ, इलेवेंथ पे आइए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जिम डाइन। ठीक है, नेक्स्ट, चेल्सी गर्ल नामक चलचित्र कौन से पॉप कलाकार ने बनाई है, सभी बताएंगे। चेल्सी गर्ल 12 का आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है एंडी वारहोल। ठीक है, नेक्स्ट है, भविष्यवादी कला आंदोलन कौन से देश में स्टार्ट होता है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। 13 आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, ये है इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है, इटली की आधुनिक कला का आरंभ कहां से होता है, दादावाद, भविष्यवाद, किरणवाद, प्रभाववाद से। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है भविष्यवाद से। ठीक है, नेक्स्ट, भविष्यवाद के प्रणेता कौन है, बताइए। जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने ही वाला है, इसलिए किसी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, जितनी भी अभी तक क्लासें पढ़ाई गई हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर एक एक करके पूरा देख लेना, और आज से 2 से 3 दिन में आपका जो है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, हमने वही क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी होगा, ये है फिलिप्पो तोमासो। भविष्यवाद का सिद्धांत पूछा गया है, सभी बताइए। 16 पे ऑप्शन सी हो जाएगा, समयावक्षेप। ठीक है, भविष्यवादी चित्रकार का नाम पूछा गया है, कौन है इनमें से, यह है ऑप्शन ए कार्लो कारा। कौन सा आंदोलन गति के चित्रण को लेकर चला था, बताइए 18वें का। गति ऑप्शन सी हो जाएगा, यह है आपका भविष्यवाद, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सर्वोच्चवाद का उदय कौन से देश में होता है, बताइए, भारत में, चीन में, मास्को, फ्रांस। 19 ये, हाँ बताइए, 19 ऑप्शन सी होगा, ये है मास्को। सुरीलवाद कौन सा, मतलब क्या था, कला आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, राजनीतिक उत्थान था, कवियों का सम्मेलन था, बताइए 20वें का। सुरीलवाद क्या था, ये एक कला आंदोलन था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब बताइए नवलचीलवाद के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है 21 का। नव लचीलवाद के संस्थापक कौन थे, बताइए। ऑप्शन ए होगा, यह है पेट मोंजिया। ठीक है, भविष्यवाद जिसका उदय इटली में हुआ था, इसका प्रणेता चित्रकार कौन था, बताइए। 22 बताएंगे सभी लोग, हाँ ऑप्शन सी होगा, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, ओडिलन ओडिलन रिडोन ये किस कला आंदोलन से संबंधित थे, बताइए। सारे जितने भी कलाकार हुए हैं ना, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा आपको वेस्टर्न में, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बताइए। घनवाद, प्रतीकवाद, भविष्यवाद, यथार्थवाद। 23 और अगर थोड़ी सी भी लग रही हो कि हाँ मैम ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने हैं आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी, ये है प्रतीकवाद। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था, बताइए। 24 ऑप्शन डी, ये है लारियानोव। ठीक है, आगे, वर्ष 1993 में वार्षिक टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला तथा पॉप कलाकार कौन है, रिचेल व्हाइटट्रिड, पॉलिन बोटी, रोसेली ड्रेक्सलर, सिस्टर मैरी कोरिटा केंट, बताइए कौन होगा 25 का। ऑप्शन ए हो जाएगा, रिचेल व्हाइटट्रिड। ठीक है, आगे, आर्ट एंड इल्यूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने लिखा है, 26 का, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको बताइए। आर्ट एंड इल्यूजन और आंसर है आपका ग्रॉम्बिच ने इसको लिखा है, किसने, ग्रॉम्बिच ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी स्टार लगा लो, बताओ 27वें का क्या होगा, लंबी गर्दन, तो मोदी किलियानी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इस्तिहार मतलब पोस्टर है, इस कला के में
मतलब इश्तहार कला हेतु पहला जो संग्रहालय बनाया गया था वो कहां पर, बताइए। 28, ऑप्शन बी ये पोलैंड के पास में। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस कौन सी है, बताइए। चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस पूछी गई है आपसे, 29। चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका स्कैनर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं किस चीज के लिए, प्रयाग झा चिल्लर 30 पे बताएंगे, ये छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्णतया प्रथम एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है, टॉय स्टोरी, हैट स्टोरी, कहानी, ट्रिब्यूट मनी। 31, सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए ये है टॉय स्टोरी। ठीक है, आगे, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन है, तैयब मेहता, मैलोल, रिनॉल्ड्स, पिकाबिया। 32, सभी लोग करेंगे। एज ऑफ इनोसेंस आंसर है आपका ऑप्शन सी, रिनॉल्ड्स। प्रसिद्ध चित्र है मेड्स ऑफ ऑनर, इसके चित्रकार कौन है। 33, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डिएगो वेल्स्क्वेस। ठीक है, आगे, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है, कांट इमैनुअल, रैमब्रा, गॉग, ब्रांकुसी। 34, क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑप्शन ए, कांट इमैनुअल। नेक्स्ट, ला फिगारो नामक पत्रिका है इसका प्रकाशन कहां पर हुआ था, पेरिस में, चीन में, बर्मा में, भारत में। 35, ऑप्शन ए पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट, भविष्यवादी कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगती है, पेरिस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में। 36, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है पेरिस में। नेक्स्ट, सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे बताएंगे सभी। 37, हाँ सभी को बताना है, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, मालेविच। नेक्स्ट, भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित होती है बताइए। भंवरवादी चित्रकारों की पहली प्रदर्शनी कब आयोजित होती है, तो ये 1915 ईस्वी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस पेंट्रेस, एक सेकेंड लीजिए बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है लेस पेंट्रेस, क्यूबिस्ट, मेडिटेशन, एस्थेटिक्स, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पूछी गई है बताइए कौन है वो महाशय। ऑप्शन ए होगा, ये अपोलिनियर है। कौन है, अपोलिनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है 1909 ईस्वी को, 1909 को म्यूनिख में एक नव कलाकार मंडल की स्थापना करने वाले महोदय पूछे गए हैं कौन है। शाबाश, वेरी गुड, आंसर करते रहो। ऑप्शन ए ये है कंडेंसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है तुच्छ वस्तुओं को खड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति की मुख्य विशेषता है। 41, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार। ठीक है, चलिए आगे। मोन्टाज फिल्म पूछा गया है, मोन्टाज मूलतः किस निर्देशक की चलचित्र की आशु रचना है बताइए। वॉल्ट डिज्नी की है, स्पिलवर्ग की है, एस एन स्टिन की है, पासोलनी की बताइए। 42, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये वॉल्ट डिज्नी की फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है डिप्टिच और ट्रिप्टिच ये चित्र किसने बनाए हैं। 43, हाँ ऑप्शन ए होगा, फ्रांसिस बेकन ने बनाए हैं। ठीक है, आगे, द मड बाथ 1914 की पेंटिंग है किसकी है। 44, हाँ
डेविड बॉमबर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट, अभी कथन और कारण से है तो देखिए इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं। देखिए, एंडी वारहोल ललित कला माध्यमों का महान कलाकार था, बिल्कुल सही है, जिसने जनसंचार माध्यमों का मनचाहे ढंग से उपयोग किया क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों के आकृतियों का उपयोग किया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि उसने अपनी कलाओं में अपने समय के लोकप्रिय व्यक्तियों के, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये वाला गलत होगा। ठीक है, ये सही है आपका, ये वाला जो दिया है ये सही है, ऐसा नहीं था कि व्यक्तियों की आकृतियों को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बस सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है फिलिप्पो तोमासो मारिनेटी, आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ ठीक है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेटी कौन था, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सभी लोग बताएंगे। तो ये कौन था, ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक ऑफ ब्रॉन्ज, ये एक प्रतिमा है जो कि बनाई गई है कांस्य माध्यम में, ठीक है, और 1876 में बनाया जाता है। अगर माप पूछ ले तो 72 इंच की है, और अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 182.9 सेंटीमीटर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी माप भी। ये एक आदमगत पुरुष कांस्य प्रतिमा है, इसको किसने बनाया है पूछा जा रहा है। फर्स्ट का सभी लोग बताएंगे। हाँ, सभी बताएंगे फर्स्ट का क्या होगा, एज ऑफ ब्रॉन्ज पूछा है आपसे। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे इसको बनाने वाले, सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, आंसर करते रहिए सभी, रुकना नहीं है। चलिए, वेरी गुड, शेयर कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, हाँ, आंसर की बात करेंगे, एस ऑफ ब्रॉन्ज पूछा है, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है रॉडिन ने इसको बनाया है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। पूछा गया है अगस्त रॉडिन की प्रसिद्ध प्रतिमा है, नीचे दिया ही है, एस ऑफ ब्रॉन्ज इसको संग्रहित कहाँ किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। हाँ, मैं सीता सैनी राजस्थान से। चलिए ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन करिए सभी लोग, सेकंड का क्या होगा आंसर। हाँ, अगस्त रॉडिन पूछा है, इसकी प्रतिमा है एज ऑफ ब्रॉन्ज, ये कहाँ संग्रहित है, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका क्या, अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी में इसको संग्रहित किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द वॉकिंग मैन, ये 1877 से 78 के बीच में बनाई जाती है मूर्ति, और किस माध्यम में, कांस्य माध्यम में बनती है, और इसका संग्रह है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में, इसके मूर्तिकार पूछ लिए गए हैं, बताइए मूर्तिकार कौन है, रॉडिन है, देगा, सुतार, हेनरी मूर, थर्ड का करेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए होगा, ये है अगस्त रॉडिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है द बर्गर्स ऑफ कैलिस, पूछा गया है ब्रॉन्ज माध्यम में बनता है 1884 से 89 के बीच में, कैलिस में संग्रहित है, मतलब कैलिस फ्रांस में संग्रहित है, लेकिन ब्रॉन्ज मूर्ति है ये, और मूर्तिकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, फोर्थ का, सभी लोग बताएंगे। हाँ, सभी लोग बताएंगे कौन सा है, चौथे का। हाँ, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन डी, ये है अगस्त रॉडिन ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है फ्रांसीसी मूर्तिकार हैं अगस्त रॉडिन, इनके द्वारा 1882 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है जिसका नाम है द किस, ये कहां पर सुरक्षित की गई है, ये पूछा गया है आपसे, फिफ्थ का बताएंगे, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यूजी रॉडिन म्यूजियम, ये आपका पेरिस में है, यही पर इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था, बताओ, अलेक्जेंडर कार्डर ने, मेलोल, डेविड स्मिथ, और बताइए जल्दी से, बारबरा हेपबर्थ, सिक्स का क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अलेक्जेंडर कार्लर ने। ठीक है, आगे चलते हैं,
पूछा जा रहा है अमेरिकी मूर्तिकार हैं अलेक्जेंडर कार्लर कि कौन से कला आंदोलन से संबंधित हैं, पूछा गया है बताइए, काइनेटिक आर्ट से हैं, सरियलिज्म से हैं, अब्स्ट्रक्शन आर्ट से हैं या सभी से, बताइए सेवेंथ का क्या होगा। चलिए बताइए सेवेंथ का क्या होगा आंसर। हाँ आंसर की बात करेंगे, ये सभी से संबंधित है, याद रखना है अलेक्जेंडर कार्लर की बात है, ठीक है। चलिए आ जाइए आंसर करेंगे सभी लोग। पूछा जा रहा है कार्लर्स ला ग्रांडे विटेसे, ये 1969 में बनाई गई मूर्ति है, ठीक है, संग्रहित है मिशिगन में, ठीक है। अब मूर्तिकार का नाम पूछा जा रहा है, एट्थ का सभी लोग बताएंगे, बताइए आंसर होगा आपको क्या, ऑप्शन बी, ये है अलेक्जेंडर कार्लर, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा गया है ट्रायस डिस्क्योस, ये मूर्ति है, इसको सेंट हेलेन द्वीप पार्क जीन ट्रैप्यू मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में एक्सपो 67 के लिए डिजाइन किया गया है, अब इसको बनाने वाले कौन है, बताएंगे सभी लोग। नौवा नंबर पे आना है, बहुत टफ है मैम, कोई बात नहीं होने दीजिए टफ, कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर कार्लर ने इसको बनाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे ना, सब याद हो जाएगा, ठीक है, हम बहुत बार इसको क्लास करवा देंगे तो आप लोग याद कर लेना, बस आपकी शर्त ये होनी चाहिए कि जितने बार हम पढ़ाएं इस वीडियो को, जितने बार चलवाएं उतने बार देखनी है आपको, ठीक है। चलिए पूछा गया है रेड मोबाइल 1956 में बनता है, चित्रित सीट धातु और धातु की छड़ों का इसमें यूज होता है, ठीक है, किसके द्वारा एक हस्ताक्षर कार्य है जो मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स कनाडा में संग्रहित, बताइए दसवें का क्या होगा, ऑप्शन डी, किसने बनाया है, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने बनाया है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कॉल्डर किस रूप में फेमस है, बताइए। इलेवेंथ का क्या होगा, हाँ बार बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी कि आर्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हाँ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपको लगते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, मूर्तिकार है, ठीक है। आगे पूछा गया है किस मूर्तिकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, बताइए। ट्वेल्व का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 12वें पे आइए, लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसको किया गया है, आंसर होगा आपका क्या, अगस्त रॉडन को इसको किया गया है, क्लियर। आगे चलते हैं, आप देखिए कथन दिया गया है और साथ में कारण भी दिया गया है। पूछा गया है रौंदा प्रतीकवादी के साथ साथ प्रभाववादी भी है, सही है बताइए, सही है, बिल्कुल सही है। फिर है क्योंकि रौंदा ने अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख प्रवृत्तियों का संयोजन किया है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, तो ए भी सही है और आर भी सही आपका राइट आंसर होता है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिवर 1938 से 43 के बीच में बनता है, मूर्ति है, ठीक है, बार्सिलोना में इसको संग्रहित किया गया है और कांस से बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसने बनाई है द रिवर, बताओ जल्दी से, किसने बनाई है, मैलोल ने बनाई है, किसने, मैलोल ने बनाई है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, संख्या बहुत कम है आज आपकी, कहां गए सबके सब, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी मूर्तिकार ने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का शिल्प बनाया है, बताओ, रोंदा, बर्निनी, मैलोल, दुनशा, क्या होगा 15 का आंसर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैलोल ने बनाया है, ठीक है। आगे एयरकास्ट 1938 में बनता है, ट्रोलर मूलर संग्रहालय नीदरलैंड में इसको प्रदर्शित किया जाता है, ये मूर्ति है, किसने बनाई है, बताओ। आप लोग ना वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न आर्ट के जितने भी कलाकार हैं ना वो पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आज आपका लास्ट चैप्टर है, इसके पहले जितने भी कलाकार थे वो आपके पढ़ते हुए चले आए हैं, अब ये बिल्कुल लास्ट कड़ी है, बस 15 से 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और कर लीजिए, फिर आपका वेस्टर्न आर्ट बिल्कुल फिनिश, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन डी, ये है मैलोल,
नेक्स्ट है ब्रिटिश मूर्तिकार है हेनरी मूर, ये किससे प्रभावित था ये पूछा गया है। 17 पे आइए सभी लोग। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, माया और एस्टिक मूर्तिकला से प्रभावित थे। क्लियर है। आगे पूछा गया है रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प है गेट्स ऑफ हेल, ये किसके शिल्प से प्रभावित है बताइए। माइकल एंजेलो बताइए 18 का क्या होगा। हाँ बताइए 18 पे आइए। ऑप्शन बी ये है लॉरेंजो घिबर्टी ने इसको बनाया है, मतलब इससे प्रभावित है। सॉरी। नेक्स्ट पूछा गया है संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लो। 19 पे आइए फटाफट से। 19 पे संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें मालेविज भी है, गॉबो भी है, रोडचेंको भी है। ठीक है चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है आपसे लीजिए, पूछा गया है कथन और कारण, पूछा गया है क्या हेनरी मूर ने अपने शिल्प को खुले स्थान में रखने को वरीयता दी ताकि सभी उसे देख सकें। क्या ये सही है? बिल्कुल सही दिया है। ठीक है फिर कहा है कारण, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका शिल्प केवल सजावटी वस्तु बनकर ना रह जाए बल्कि लोगों को प्रेरित भी कर सके। ये बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही कथन सही है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से कथन कारण दिया है, अनेक आधुनिक कलाकारों ने आदिम मूर्ति कला शैली में अपने कास्ट शिल्पों को निर्मित किया है। क्या ऐसा है? क्योंकि उनके विचार में यह जीवन के गूढ़तम रहस्यों को परम गंभीरता के साथ उद्घाटित करती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? मालूम है किसी को? फटाफट से करेंगे। देखिए जो ये कथन दिया है ना और कारण दिया है, ये दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिर से कथन कारण है, पूछा गया है सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है। क्या सही है ये बताइए जल्दी से, क्या सही है? चलिए आगे देखते हैं। फिर दिया है आदिम मूर्ति कला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, तो दोनों ही सही है। तो आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है नेक्स्ट है हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में कब होती है, ये पूछा गया है आपसे। 23 पे आ जाइए जल्दी से फटाफट से। 23 पे हेनरी मूर की एक बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली में कब होती है बताएंगे सभी लोग। हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1987 में इसकी दिल्ली में होती है प्रदर्शनी। ठीक है याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है आपसे लीजिए, क्वेश्चन है मॉन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल 1919 से 20 ईस्वी के बीच का है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित है। ठीक है किसके द्वारा निर्मित किया गया है ये पूछा गया है बताओ। मॉन्यूमेंट ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल, देखिए आंसर की बात करते हैं। ठीक है ये जो दिया है ना व्लादिमीर टाटलिन, यही इसका आंसर होगा। और ये है कहां के वास्तुकार? ये रूसी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस 1913 की ये बनी हुई एक मूर्ति है जो कि ब्रॉन्ज माध्यम में बनती है। अब रचनाकार पूछ लिए गए हैं तो बोचियोनी है और ब्रांकुसी है, रोडिन है, अनीश कपूर है, तो क्या होगा आंसर की बात करेंगे। यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उम्बर्टो बोचियोनी जो होगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर करते रहिए, ठीक है नहीं बने वो बात अलग है लेकिन आपको करते रहना है, तुक्का तो लगाते ही रहना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है दार्शनिक, ये एक मूर्ति शिल्प है और बनी किसमें है? ब्रॉन्ज माध्यम में बनती है। इसको बनाने वाले कौन है? रेम्ब्रा है, ब्रांकुसी है, जॉन मीरो है, रोडिन है। किसने बनाया है दार्शनिक ब्रॉन्ज मूर्ति शिल्प बताइए। तो आंसर की बात करेंगे क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रोडिन ने इसको बनाया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है बारबरा हेपबर्थ 1903 से 1975 थी, कौन थी ये बताओ।
ब्रिटिश मूर्तिकार है क्या, अमेरिकी है, मतलब कुल मिलाकर कहाँ की है ये पूछा गया है। तो याद रखना है उनके नाम से ही स्पष्ट है ये ब्रिटिश मूर्तिकार है। ठीक है, क्या हो गया भाई मैम? शाबाश, आप लोग बढ़िया आंसर कर। देखिए हमारी क्लास जो है ना पेड नहीं चलती है, ठीक है, हमने जितना पढ़ाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है और सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है पहले से, काफी चीजें पहले पढ़ा दी गई है और अभी कंटिन्यू पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे ना वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, हाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आपको मिल जाएगा सारा कोर्स। चलिए 27 बताइए, ऑप्शन ए हो क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कथन कारण दिया गया है, ये तो बहुत बड़ा है, चलो देख लो फिर भी, चलो बताओ, काम करते हैं इसका हम आंसर बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए सॉरी अभिकथन ए दिया है कि मॉन्यूमेंट टू बालजाक, समझिएगा इंपॉर्टेंट है इसका, ये जो मूर्ति शिल्प है इसको किसने बनाया है, पहली बात अगस्त रोंदा ने बनाया है, ठीक है, और ये कौन है, ये फ्रांसीसी उपन्यासकार बालजाक की स्मृति में बनाया गया है, ठीक है, और रोंदा के अनुसार इस कृति में लेखक की भौतिक रूपरेखा के बजाय लेखक के व्यक्तित्व विशिष्टता पर ध्यान दिया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोचना के पश्चात समाज द्वारा इस मॉडल को स्वीकार कर लिया गया था, पहले इसकी खूब मतलब बुराई हुई थी, खूब दम से बुराई हुई थी, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है, और यह मॉडल जो है ये ब्रॉन्ज में निर्मित है, बिल्कुल सही बात है, और इसे ब्रिले वार्ड द मोपार्नास पर स्थापित कर दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन जो दिए हैं ना आपके सही दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीचे दी गई कृतियों में से रोंदा की कृतियों को पहचानना है, बताओ, लीजिए बताओ रोंदा की कृतियां बतानी है, 29 सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। हाँ आ जाओ 29, चलिए ठीक, देखिए आंसर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने आगे की पढ़ा था द एज ऑफ ब्रॉन्ज रोंदा की है, ठीक है, और द थिंकर भी इन्हीं की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, ये वन लाइनर में भी आ सकता है कि द थिंकर किसने बनाया है, ठीक है, याद रखना है। तो द एज ऑफ ब्रॉन्ज हो गया, द थिंकर भी हो गया, क्लाउड गेट इनकी नहीं है, और द बर्गर्स ऑफ कैलस ये भी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके किसके हैं, रोंदा के हैं। ठीक है, तो एक दो चार, एक दो चार ऑप्शन बी में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से मूर्तिकारों को चुनना है, लीजिए मूर्तिकारों को चुनना है, उनके वरिष्ठता के अनुसार सही क्रम लगाना है, बताइए। देखिए पहले आपका रूनालेसी हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर बर्निनी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन एक हो जाएगा बर्निनी, और फिर मातिस, मातिस ऑप्शन ये दिया है ना, ऑप्शन ये डी में चौथे नंबर में दिया है मातिस, और फिर लास्ट में हैंसन हो जाएगा। तो दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, ये आपके ऑप्शन बी में हो जाएगा, आपका जो आंसर बी होगा ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा जा रहा है डुआन हांसन जो है ये 1925 से 96 के बीच में रहते हैं, ये कौन है बताओ, डुआन हांसन 31, हाँ क्लाउड गेट अनीस कपूर की है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लंदन में है, ठीक है, हमने बताया था पूरा। हाँ चलिए 31 का बताइए, डुआन हांसन ऑप्शन ए होगा, ये अमेरिकी मूर्तिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सन 1941 में, लीजिए इतने में ही बता दीजिए आप लोग, ठीक है, हाँ पूछा गया है सन 1941 ईस्वी में अमेरिकी मूर्तिकार है लुइस नेवल्सन, इन्होंने निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया था, चलिए बताइए किस चीज में प्रयोग किया था लुइस नेवल्सन ने, ये पूछा गया है आपसे 32 का। देखिए इन्होंने जो प्रयोग किए हैं ना वो प्रकाश और ध्वनि में भी किए हैं, और ये ऑप्शन सी ये जो दिया है ये गत्यमान
मूर्तिकला, तो इन दोनों पर इन्होंने प्रयोग की है किसने, लुइस नेवल्सन ने। मतलब तीन और चार आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। चलिए आगे है लिन चैडविक, क्या है लिन चैडविक, पूछा गया है 1914 से 2003 में इनका टाइम पीरियड मिलता है। अब कौन थे ये लिन चैडविक बताइए, 33। तो नाम से ही स्पष्ट है ये ब्रिटिश मूर्तिकार ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है बारबरा हेपवर्थ जो है, ये 1903 से 75 का टाइम पीरियड है इनका, ये कौन से देश से संबंधित है, महिला मूर्तिकार है ये, ठीक है। बारबरा हेपवर्थ आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, तो आज से आपका जो ये क्या था वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहां से आपकी जो वेस्टर्न आर्ट थी वो कंप्लीट होती है, जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने करवा दिए हैं, और जितने ये कलाकारों वाले हैं जो अभी लास्ट की 6 से 7 क्लासें हुई है ना कलाकारों की, इनको विशेष तौर पर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कलाकारों से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न आर्ट जो पूरी पढ़ेंगे तो वहां से भी मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कलाकारों से पूछा जाता है वो लास्ट की 6 से 7 में हमने पढ़ाए हैं, उसको पढ़ लेना, ठीक है। टोटल आपकी शायद 11 या 12 वीडियो हैं वेस्टर्न आर्ट की, हमें नहीं लगता कि 10 से 12 वीडियो देखने में आपका कोई नुकसान होगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख लेना, और कल से ये बताओ टेस्ट रख दे 8 बजे, बताओ जल्दी से, कल से इसी टाइम हम टेस्ट शुरू कर दें, टेस्ट लेना टॉप 50 के 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम डेली रख दें 8 बजे से, बताओ सभी लोग। मैम आप बहुत क्यूट हो, अच्छा थैंक यू, नमस्ते मैडम जी, हाँ नमस्ते सभी को, आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब करते हो, अच्छा मैम आप बहुत अच्छी लगती हो, अच्छा थैंक यू, ठीक है। तो कल से हम क्या बोले हैं, कल से आपका रात में 8 बजे डेली कितने 50 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट रखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 30 भी 30 कम हो जाएंगे 100 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ना 30 ना 100 बीच का 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो कल से हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो कल से डेली अब आपको रात में 8 बजे जुड़ना है, 7 बजे तो आपका इंडियन आर्ट चल रही है, ठीक है, जब तक इंडियन आर्ट चल रही है तब तक हम उसको करवाते हैं, बाकी शाम को 7 बजे तो आपका इंडियन आर्ट है, 8 बजे रात को डेली इसी टाइम पर आपकी जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है। मैम मुझे कोर्स परचेज करना है ये बताओ प्लीज, देखिए हम कोर्स नहीं बेचते हैं भाई, जो पढ़ाते हैं सबके सामने पढ़ाते हैं, ठीक है, आप टेस्ट ले लो मैम, हाँ बिल्कुल कल टेस्ट लेंगे 8 बजे से डेली आपका टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। हमें लग रहा था कि वेस्टर्न आर्ट पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इसलिए हमने वेस्टर्न आर्ट पहले करवा दी है, ठीक है। अब हम कल से टेस्ट लेंगे सभी का, यस मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा मैम आपका कोई ऑफिशियल साइट है या यूट्यूब पे, चलिए ओके मैम, यस मैम ओके मैम, मैम आप तो गुफा का क्लास देने वाली थी, अरे पगलिया दीप माला 7 बजे जो इंडियन आर्ट चलती है वो आपकी गुफाओं वाली क्लास होगी, मतलब 7 बजे आपकी इंडियन आर्ट होगी और रात को 8 बजे आपका टेस्ट हुआ करेगा डेली, समझ गई, बताओ, हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो 7 बजे आपका जो है इंडियन आर्ट चल ही रहा है, उसमें आपकी वो बिल्कुल इंडियन आर्ट जब तक आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वहां इंडियन आर्ट चलती रहेगी, और जो ये रात को 8 बजे है यहाँ आपका 50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, और वो टेस्ट डेली होगा, और डेली आप लोगों को 8 बजे जुड़ना होगा, ठीक है। हाँ चलिए अब टाटा बाय बाय, आराम से
हाँ मैं पागल, लेट हो गई आज तो, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते मैम जी, बहुत जल्दी जगी है महारानी रेखा रानी। मैम आप हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा सकते हो? हाँ, हैंड रिटन नोट्स की याद दिलाई। देखिए जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तब हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। और वो नोट्स इतना, मतलब हम नहीं अपने मुंह से कुछ कहेंगे, आप लोग जब एग्जाम दे के आएंगे तब आप लोग खुद बोलेंगे कि मैम जो नोट्स था आपका हैंड रिटन वाला, वो कितना बेनिफिशियल हुआ है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं उसके बारे में बात करनी है, बस इतना समझ लीजिए एग्जाम के टाइम के लिए बिल्कुल धमाका है आपके पास, हमारे पास, हम वो देंगे आपको। ठीक है, अच्छा कहीं गए थे हम, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मेरा सीटेट का एग्जाम है। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। 21 तारीख को है या 22 को, ऐसे कुछ है, ठीक है, जनवरी में। टीजीटी के बारे में जानकारी लेनी है प्लीज। देखिए टीजीटी की काफी सारी वीडियोस डली हुई है हमारी, आप सर्च कर लेना बाई वैष्णवी मैम लिखकर, आपको सारी वीडियोस बिल्कुल लाइन से खुल के आ जाएंगी। आपको जो चीज जरूरत हो आप उसमें टच करके खोल के देख लेना। ठीक है, अब आज से हमारी जो ये क्लास है वेस्टर्न आर्ट वाली, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना आपको पढ़ना था पढ़ाना था, केवल इतने से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और आज तक के इतिहास में केवल इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके। ठीक है, तो अब परेशान नहीं होना है, वेस्टर्न आर्ट हमने आपको पढ़ा। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं, टाटा बाय बाय, जाइए।